आयुष दर्पण द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष दर्पण द्वारा आयोजित क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा, जो रात के 8:30 बजे लगातार इसका प्रसारण आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। आयुष दर्पण यह क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा वैद्यों के ज्ञान के वर्धन के लिए करता है। इस संभाषा का उद्देश्य केवल और केवल क्लिनिकल नॉलेज का को अपग्रेड करना है। आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस संभाषा में भाग ले रहे वैद्य और उनके द्वारा बताए जा रहे समस्त उपचार, ये आयुष दर्पण इनकी कोई पुष्टि नहीं करता। आयुष दर्पण के इस संभाषा में प्रतिभाग कर रहे किसी भी वैद्य द्वारा कोई भी विचार किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी दवा कंपनी के बारे में या किसी भी संबंध में दिया गया विचार उस वैद्य का निजी विचार है। इससे आयुष दर्पण का कोई लेना देना नहीं है। आयुष दर्पण किसी भी कंपनी, किसी भी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, किसी भी वैद्य के द्वारा बनाई गई दवा के प्रभाव की पुष्टि नहीं करता। इस संभाषा को देखकर यदि आपने किसी भी वैद्य से कोई भी दवा मंगाई तो उससे आने वाले हानि और लाभ दोनों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आयुष दर्पण यह क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा ज्ञान वर्धन के लिए आयोजित करता है। आप सभी इस संभाषा से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आयुष दर्पण डिजिटल के गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा CAX 429 ज्वाइन करें बैच को, वहाँ से भी आप इस संभाषा से जुड़ सकते हैं। इस संभाषा में आप प्रतिभाग करना चाहते हैं तो 9410379397 इस नंबर पर आप संपर्क करें। वहाँ से गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा जिससे आप इस संभाषा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आयुष दर्पण आप सभी का इस संभाषा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष दर्पण।
नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। मैं आप लोगों को कुछ ना प्रमेह और उसके उपद्रव, इस पर ये टॉपिक पर मैं कुछ अपना विचार रखना चाहता हूँ। विचार का मतलब है कि एक डॉक्टर जो सोचता है, प्रैक्टिशनर जो सोचता है, वह मैं बताने के लिए आया हूँ। तो समुचे विश्व में प्रमेह और उसके उपद्रव बढ़ रहे हैं। अगर इस पर नियंत्रण लाना है तो हमें तीन स्तरों पर काम करना बहुत जरूरी होगा। तो पहला है कि प्रमेह और उसके उपद्रव, प्रमेह और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका सही इलाज करना, यह पहला है। दूसरा है कि उपद्रव रहित प्रमेही को उपद्रवों से बचाना, मतलब जिनको कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, उनको ना आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाना। तीसरा है कि आने वाली पीढ़ी को प्रमेह से बचाना, उनको डायबिटीज हो ही ना, इसका एक है। पहला है कि कॉम्प्लिकेशन से बचाना, दूसरा है कि अगर कॉम्प्लिकेशन होने वाले उससे बचाना, तीसरा है कि डायबिटीज होने ही ना देना, तीन है। तो आयुर्वेद के अनुसार कारण, लक्षण और चिकित्सा, इनका तीन स्तर पे विचार होना जरूरी है। अब अगर हम हेतु देखेंगे, हेतु लिंग औषध जैसे बोलते हैं, तो हेतु देखेंगे तो प्रमेह और उनके उपद्रव के कारण क्या क्या होते हैं उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो जीवन शैली जो रहती है, लाइफ स्टाइल, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर वह बिगड़ी हुई है तो उसी की वजह से प्रमेह हो रहा है। फिर आनुवंशिकता, मतलब हेरिडेटरी कारणों से प्रमेह हो रहा है। फिर खेती में आए हुए जो भी पेस्टिसाइड है, फिर हाइब्रिड जो भी चीज, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो जो चीज उल्टा पुल्टा चीज हम खा रहे हैं। पहले अगर देखेंगे तो अंगूर थे, उसमें बीज होते थे, अब अंगूर में बीज ही नहीं है, सीडलेस ग्रेप्स आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं जिसमें सीडलेस है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हम खा रहे हैं, जो जैसे दूध है तो दूध में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके और उसका हम लोग वो दूध पी रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं ना जो खेती में गड़बड़ करके दी जा रही है, क्योंकि अब गाय का घी भी है, गाय उतनी नहीं है, भैंस उतनी नहीं है, लेकिन घी और दूध और ये सब इतना ज्यादा किसे बन रहा है, तो सिंथेटिक करके, सिंथेटिक केमिकल हम लोग को दिया जा रहा है। उसी तरह से मानसिक तनाव, इसके वजह से भी प्रमेह होता है, चिंता बहुत ज्यादा करना, एक्सरसाइज का अभाव, मतलब एक्सरसाइज ना करना। फिर व्यसन जो है, किसी न किसी तरह का व्यसन, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान पराग, ये सब का, पॉर्न वीडियोस देखना, ये भी एक व्यसन है, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये सब जो भी व्यसन है उसके अधीनता रहना, ये सारे कारण है जो प्रमेह का कारण बने। तो इन्हीं कारणों का त्याग करने की सलाह देना, यह वैद्यों ने छोड़ ही दिया है, जबकि हमें बोलना चाहिए कि यह सब हमें परहेज करवाना है पेशेंट से, फिर ये फिर से आरंभ करना है। फिर उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो दही ज्यादा खाना, पानी ज्यादा पीना, टमाटर ज्यादा, अम्ल रसात्मक टमाटर का सेवन ज्यादा करना। अंग्रेज है ना, तो अपने साथ टमाटर लेके आए भारत में, तो उन्होंने टमाटर की आदत डाल दी। फिर ककड़ी, चीज, पनीर के चीज बहुत ज्यादा खाना, विरुद्ध अन्न बहुत खाना, ये खासकर किडनी फेलियर के कारण होते हैं। जैसे दही खाना, दही ज्यादा लेना, पानी ज्यादा पीना, टमाटर, ककड़ी, चीज, पनीर, ये किडनी फेलियर के कारण होते हैं, तो इससे हमें दूर करना है। फिर विरुद्ध अन्न का सेवन करना, क्रोध बहुत ज्यादा करना, चिंता करना, सूर्यास्त के बाद खाना खाना, लेट नाइट को खाना ना, आंखों का जो रेटिना होता है उसको खत्म, मतलब खराब करने का ये कॉज रहता है। उसी तरह से न्यूरोपैथी के क्या कारण रहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी के, तो अति अपतर्पण करना, बहुत ज्यादा लंघन करना, रुक्ष अन्न का सेवन करना, अभ्यंग का अभाव, मतलब पूरा शरीर में तेल मालिश न करना, यह सारे न्यूरोपैथी के कारण होते हैं। अब लक्षण में आते हैं हम लोग, हेतु हमने देख लिया, अब लक्षण में आते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से प्रमेह और अन्य रोगों के लक्षण देखना आयुर्वेदीय निदान की दृष्टि से आवश्यक है। आयुर्वेद निदान के बिना आयुर्वेद की चिकित्सा देना व्यर्थ है, केवल शुगर लेवल कम करना ही चिकित्सा नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेद का निदान देखना जरूरी है। फिर उसके मैच जो जो लक्षण है वह देखना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास रोगी आता है तो वह शायद ही है कि एलोपैथी के दवा से उसके लक्षण नहीं दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। एलोपैथी के दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, इंसुलिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो हमें इतिहास पूछना है और कौन सी दृष्टि से यह रोग है, यह डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रमेह हमें दिख रहा है तो प्रमेह की चिकित्सा करना है। अगर अजीर्ण रोग है, प्रमेह का मतलब शुगर लेवल बढ़ा है लेकिन वह अजीर्ण का रोगी है, तो हमें अजीर्ण का चिकित्सा करना है। अगर कुछ भी लक्षण नहीं है तो उसके विपरीत जो जो सिम्टम है उस हिसाब से चिकित्सा करना जरूरी है। फिर देखना है कि रोगी को शोधन देना जरूरी है, तो शोधन चिकित्सा देना है।
अब आगे हम देखेंगे तो कुछ कुछ जो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उपद्रव, उसकी तरफ ध्यान देखते हैं। तो डायबिटीज मिलाइटस है, मतलब मधुमेह बढ़ा है, और किडनी फेलियर में पेशेंट है, तो आयुर्वेद के निदान की तरह चिकित्सा देना है। अब जैसे कि पिंडकोट द्वेष्टन है, नस पे नस चढ़ रही है, काफ मसल्स जो है, थाइज मसल्स है, नस पे नस, पिंडकोट द्वेष्टन है, पांडुता है, खून की कमी है, दुर्बलता है, तो उसमें आयुर्वेद का चिकित्सा जो है, कॉटेज आदि शिला जंतु, ताप्यादि लो, यह देना बहुत फायदेमंद रहता है। किडनी फेलियर मतलब जो डायबिटीज के वजह से किडनी फेलियर है, और उसको पिंडको द्वेष्टन है, पांडुता है, दुर्बलता है, तो कॉटेज आदि शिला जंतु ताप्यादि लौह देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर ना उसके आंखों के ऊपर स्वेलिंग है, अक्षिकुट शोथ है, यह लक्षण आमाजीर्ण या मृत भक्षण जन्य पांडु का है, तो अब हमें इसमें लंघन कराना है और मृदु विरेचन करना है, मतलब हमें पांडु की चिकित्सा करना है, मृत भक्षण जन्य पांडु की या आमाजीर्ण की, यह करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है पेशेंट में, और डायबिटीज मेलिटस भी है और स्वेलिंग दिख रहा है, तो हमें शोथ की चिकित्सा करनी है, जैसे पेट में पानी भरने पर, सांस फूलने पर, उदर रोग, ऐसा निदान हो रहा है, तो उदर रोग का निदान हो रहा है ना तो, और स्वेलिंग भी आ रही है, तो फिर हमें क्या करना है कि दूध पे रखना है, विरेचन देना है। अगर अग्निमान्द्य लक्षण है तो उसमें लंघन और पाचन चिकित्सा करनी है, ऐसे छोटी छोटी सिम्टम है उसमें लंघन और पाचन ऐसा करना है। अगर रोगी बहुत ज्यादा पानी पी रहा है तो उसे चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर आदि को गुल देके मूत्रल दवाइयों से उसके पानी निकालना है। और फिर क्या करना है कि 2 लीटर पानी में थोड़ा सा सोना का क्वाइन डाल दीजिए या सोने की अंगूठी डाल दीजिए, और जो लाजा होता है जिसे खिल बोलते हैं, खिल, वह डाल देना है, और तृण पंचमूल के साथ उबाल कर 500 ml तक रखना है, इतना 2 लीटर को उबालते उबालते 1/4 रखना है, और वह पीने के लिए देना है, तो सारे रोगियों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर नेत्र रोग ऐसा निदान दिख रहा है तो तिमिर भी हो सकता है उसको, डायबिटीज और नेत्र रोग, तिमिर के ऐसे सिम्टम दिखते हैं, तब पादाभ्यंग करना है, नेत्र तर्पण करना है, महात्रिफलादि घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह सभी में निदान परिवर्जन करना बहुत जरूरी होता है। और न्यूरोपैथी, ऐसे सिम्टम आ रहे हैं मतलब नर्व्स उसमें डैमेज हो रहे हैं, तो व्यात व्याधि की चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। अब चिकित्सा के अगर पहले हेतु देखा, फिर लक्षण के हिसाब से चिकित्सा देखा, अब चिकित्सा पर आते हैं, तो आयुर्वेदिक निदान के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिए, और उसके साथ में पथ्यापथ्य, क्या खाना जरूरी है, क्या नहीं खाना जरूरी है, क्या खाने से बढ़ेगा, क्या नहीं खाने से बढ़ेगा, क्या खाने से बढ़ेगा और निदान परिवर्जन किया तो वो ठीक होगा, यह बताना बहुत जरूरी है। तो प्रमेह की चिकित्सा में हमें संतर्पण या अपतर्पण करना बहुत जरूरी है, योगा योग करना भी जरूरी है, व्यायाम करना भी जरूरी है, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, यह करना भी बहुत जरूरी है। दूसरा बात ये बता रहे हैं कि अगर प्रमेह है तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसकी चिकित्सा करना बहुत अत्यावश्यक रहता है। उसके साथ में अगर एलोपैथी चल रही है तो उसी के साथ में आयुर्वेद की चिकित्सा भी हम शुरू कर सकते हैं, तो रक्त शर्करा जो है मतलब ब्लड शुगर जो है वो नियंत्रण में आएगा, वैसे वैसे जैसे जैसे शुगर कम आएगा, हम आयुर्वेद की दवाई दे रहे हैं, तो वैसे वैसे एलोपैथी की दवाइयां कम करते जाना है, बाद में केवल आयुर्वेद की चिकित्सा देना है, और पथ्यापथ्य से रोगी को ना बैलेंस मेंटेन रखना है, जिससे उसको कॉम्प्लिकेशंस ना रहे, मतलब उपद्रव जो गैंग्रीन होना है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, किडनी फेलियर, न्यूरोपैथी, ये सब ना हो। उसी तरह से नया जो पीढ़ी है, नूतन पीढ़ी जो है, उसमें युवावस्था में ही पंचकर्म कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, कि आप वमन कराइए, विरेचन कराइए, भस्त्रहरि नश्यते रक्त मोक्षणम्, इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है, और इससे उस व्यक्ति को भी फायदा होगा, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, संतानें हैं, वह भी डायबिटीज से दूर हो जाएंगी, तो हेरिडेटरी कारणों को हम दूर कर सकते हैं। तो पथ्यापथ्य, व्यायाम, योगाभ्यास अगर नियमित रूप से करने वाले हैं तो यह पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को वह डायबिटीज का जो सिम्टम है वह नहीं देगी, ट्रांसफर ही नहीं होगा हम, क्योंकि अभी उनको ठीक करेंगे तो उनका शुक्र धातु अच्छा होगा, आर्तव अच्छा होगा, तो शुक्र शोणी संयोग से जो गर्भ बनेगा उसको ये चीज जाएगा ही नहीं, इस तरह से हमें विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। आप लोगों को अनुरोध करता हूँ, आप लोग जाइए और हम लोग ये करेंगे, एक बार आप देखिए कि आप लोग अनम्यूट हो पाए क्या, एक बार चेक करिए कृपया। जी, अब सबसे पहले कौन बोलेगा? जी शुरू करिए ना, आप लोग आइए, आप प्रणाम बोलिए। सर, प्रणाम, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ सर, बढ़िया हूँ सर। ये जो अभी आपने बताया कि स्वर्ण की अंगूठी उसमें डाल के लाजा वगैरह का जो बना के पिलाते हैं, हाँ तो
स्वर्ण का उसमें मतलब अर्क या फिर उसका प्रभाव कार्य करता है क्या उसमें? मतलब स्वर्ण सिद्ध जल जो है ना वो बहुत ज्यादा शरीर में ताकत देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ऐसे जैसे अगर जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति रहे हाँ और इम्यूनिटी लॉस वाला रहे तो उसको स्वर्ण या रजत हाँ पानी अगर हम उबाल के उसको पिलाएं ये हाँ, मतलब डाल के तो हाँ भी उसमें फायदा मिलना चाहिए उसमें। 100% फायदा होता है। जी। पहले के जमाने में तो सोना और चांदी के बर्तन में लोग खाते थे, आजकल वो हाँ बर्तन नहीं, तो कम से कम पानी में वो सोने की अंगूठी डाल के और उबाल के वो पानी दे, स्वर्ण सिद्ध जल, बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ जी। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी आप कैसी हैं? डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी शायद सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी सुन रहे हो जी? नमस्कार। नमस्ते, कैसी हैं आप? आपका तबियत कैसा है? हाँ सर, सब बढ़िया एकदम वैसी। और ये जो आप स्वर्ण वाला बता रही हैं तो हाँ जो जितने भी हमारे नोन टूज हैं सबको बोल दिया कि या तो पेन पहनो शरीर से स्वर्ण को लगाओ या तो अपने आरओ में डाल दो। जी बराबर, आपने बहुत अच्छा बताया। मैम आरओ में डालने से भी एडवांटेज मिलता है मैम? क्यों नहीं मिलता? स्वर्ण स्वर्ण के जब हम कंटेनर में रख के उसका पार्टिकल तो जाता है ना, उसके शरीर से छिलने पर भी जाता है अंदर, तो स्वर्ण आभूषण केवल सुंदरता के लिए नहीं होता था, रॉक्स और ये सब चीजें होता था कि हमारे शरीर से छुलकर वो हमारे शरीर की हेल्थ के लिए अच्छा होता। सर ने तो उबालने के लिए बोला है, सिद्ध करने के लिए। उबाल सकते हैं तो उबालिए, नहीं तो उसमें डाल सकते हैं। मैम इसको मिल्क में भी बॉइल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसको बॉइल करके मैंने नहीं दिया, जल में ही दिया है। दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। चांदी से तो शायद दूध फट जाता है सर, चांदी डाल सकते। चांदी से नहीं फटता है, कान से पात्र से फटता है, कान से। नहीं नहीं सर, दूध में अगर चांदी डाल दिया जाए तो फट जाता है शायद। अच्छा ऐसा? हाँ, रात में अगर दूध नहीं, अगर लंबे समय रखा रहे तो। वो तो कान से पात्र और दही का कुछ तो है ना, कान से पात्र और दही का है। पात्र में तो दूध निषेध माना गया है। अभी अभी चांदी के पात्र में खीर खिलाने को देते हैं ना, जब ये अन्न प्राशन करते हैं तो चांदी के चम्मच में मामा आते हैं और किसी बच्चे के, और वो चांदी के चम्मच में खीर खिलाते हैं ना, चांदी और दूध का नहीं होता विरुद्ध? नहीं नहीं विरुद्ध की बात नहीं कर रहा सर मैं। हाँ वो चांदी की परीक्षा में भी कुछ ऐसे बताया कि दूध वो काला नहीं, हो जाता वो क्या है। हमारे इधर जैसे पहले जैसे दही जमाते हैं जी, तो कभी जामन नहीं रहता था तो चांदी का कोई भी वो है मतलब चांदी का कोई भी गहना वगैरह रात में दूध में डाल दिया था तो वो जम जाता था दही। जी मतलब वो लंबे समय अगर उसमें पड़ा रहे तो बात बता रहा हूँ। जी जी और कोई बताएगा कुछ अपनी जानकारी? आप लोग सर्वश्रेष्ठम श्रेष्ठतम वैद्य हैं पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के, इतना अच्छा आप लोग डिस्कस करते हैं, अपना ज्ञान सबको बांटते हैं। अभी सर एक जलोदर का मेरे पास पेशेंट चल रहा है जी, तो उसको मैंने ये जलोदरारी रस वगैरह दिया है तो काफी अच्छा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है सर। हाँ और क्या क्या दिया सर एसआईटी में आपने? एक सेकंड में बताता हूँ सर। और आपको सिम्टम कैसे मिला, क्या हुआ, सब थोड़ा डिटेल में क्या? पूरा मतलब वो आया है बाहर से था, एलोपैथी अस्पताल से ही आया था वो, उनको क्या स्टेरॉइड वगैरह ही दे रहे थे तो उससे आराम लग जाता था और फिर दिक्कत हो जाती थी। फिर उनको किसी ने बताया था कि आप आयुर्वेदिक पे जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, तो फिर वो मेरे पास आया था तो मैंने उसका जब देखा था तो उसका पेट पूरा तन्ना हुआ था, मतलब पानी भरा हुआ था उसमें और भूख भी नहीं लगती थी उसको, पेट अच्छे से साफ नहीं होता था, अग्निमान्य तो था ही था और पूरे शरीर में मतलब उसको ऐसा था कि आलस्य जैसा उसको बना रहता था हमेशा जी, और बात करने में भी उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत दुर्बलता है, बात नहीं कर पा रहा ठीक से जी। तो अभी फिर मैंने उसको ये द्रव्य चलाए हैं सर, जलोदरारी रस है
अग्नि मानदे के लिए क्रव्याद रस दिया था, साथ में मुक्ता पंचामृत, सोथारी मंडूर, आमवतारी रस, शंख भस्म, कपरदिग भस्म और अभ्रक भस्म, साथ में पुनर्नवारिष्ट और एक लीवर टॉनिक दिया था, और यूरिन में कुछ प्रॉब्लम थी तो नीरी भी दिया था ताकि खुल के यूरिन आए उसको, साथ में पुनर्नवा मूल चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण, श्वेत परपटी, इनका एक योग बना के दिया था। तो अभी काफी आराम लगा है उसको और पेट दर्द हो रहा था तो उधर सुलहर वट्टी दिया था साथ में। सर रोगी का हेतु क्या था सर? अब वो तो क्या रिफर्ड होके आया था मेरे पास, हो सकता है उसने मतलब क्या हेतु रहा हो, इतना ज्यादा मैं डीप नहीं पूछ पाया था, कोरोना काल में इतना ज्यादा पास में बैठा भी नहीं सकते हैं अभी। सर कितना पानी था उसमें, कितना एसआईटी फ्लूइड कितना था? वो फ्लूइड तो सर वहां निकलवा लिया था उनने, तो वो करीब आधा लीटर के आसपास निकला था सर, और पूरा पेट तना हुआ था। आधा लीटर निकलने के बावजूद भी पेट तना हुआ था? नहीं, उसके बाद फिर बंद था। पहले जब मेरे पास आए ना पेट तना हुआ था तो मैंने कहा पहले एक बार टेपिंग करवा लो आप इसको, उसके बाद क्योंकि सर आधा लीटर में तो नहीं तनता सर पेट ए? आधा लीटर में तो नहीं ऐसे सिम्टम आते था ना सर, बच्चा था 17-18 साल का बच्चा। हाँ तो 18 साल का यंग में भी ऐसा नहीं होता सर, आधा लीटर तो कोई क्वांटिटी नहीं है सर ज्यादा एसआईटीस में। नहीं नहीं था सर, था। आपने कितना तो आपने नहीं निकाला, आपने कितना निकाला? नहीं, मैंने सर पानी नहीं निकाला, पानी एलोपैथी अस्पताल में निकलवाया था, उसके बाद मैंने ये ट्रीटमेंट निकलवा रहा है। कब से निकलवा रहा है? दो या तीसरी बार निकलवाया था ये पानी उसको, उसके बाद फिर मैंने ये दिया, तो उसके बाद ये हुआ कि उसको पानी मतलब फिर से कलेक्शन नहीं हुआ। कितने दिन की बात, कितने दिन हो गए उसको? ये अभी एक महीना हो गया सर। तो आपने उसके पेट को कपड़ बेस्टन भी कर रखा है या ऐसी खुला हुआ पेट? हाँ कपड़, वो कपड़े से लपेटने के लिए बोला है। बांध रहा है पेट? पहले कि हाँ जी हाँ जी सर, पहले कितने दिन में पानी इकट्ठा होता था? दो एक महीने की, अब नहीं होया? नहीं, एक महीने में वापस उनको जाना ही पड़ता था मतलब निकलवाने के लिए, ऐसी दिक्कत थी। नहीं तो रीजन जैसे हेतु पूछा ना, लीवर की क्या रिपोर्ट है? लीवर की रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ हिपेटोमेगाली तो था उसको, लीवर में सूजन था ना सर। एसजीओटी एसजीपीटी वगैरह एल्कलाइन वगैरह? एसजीपीटी बड़ा हुआ था, बाकी एसजीओटी की रिपोर्ट। 18 साल के बच्चे को कैसे हो गया, क्या उसने दवाई ली थी क्या एलोपैथिक, कैसे हो गया? सकता है उसने एलोपैथी कुछ दवाई ली हो। तो एसआईटीस कैसे हो गया एकदम से, आपने पूछा नहीं पूरा डिटेल? अरे सर पूरा डिटेल अब क्या है कि अभी कोविड में क्या पास में बिठा भी नहीं सकते ज्यादा, और मतलब अब यही सब कारण रहा है। पहले तो वो आ भी नहीं रहे थे, खाली उसके मतलब फैमिली वाले ही आए थे कि ऐसी ऐसी, पर मैंने कहा एक बार लेके तो आऊं देखे तो सही। चलिए बढ़िया, जितना पूछा है उतना पूरा हिस्ट्री वो खुद भी नहीं दे पाए थे कि क्यों हो गया कैसे हो गया। क्या रहता है हर पेशेंट को, जैसे अगर गांव में रहता है तो उसको ये सब जानकारी नहीं बता पाता है वो कि कैसे हो गया, बस वो तो कहे कि बुखार आया और अचानक पेट फूलने लग गया। ये सारी समस्याएं थी उसके साथ। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है? नहीं अल्ट्रासाउंड की नहीं थी उनके पास में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या सर एलोपैथिक डॉक्टर ने कैसे मेडिसिन दे दी बिना अल्ट्रासाउंड के उसको? अरे उसने तो सर्वाइस की, पर वो मेरे पास आया तो लेके नहीं आया था ना, उनने तो अल्ट्रासाउंड एक्सरे सभी करवाया होगा, वो तो बिना जांच के, कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर बिना जांच के तो एक दवाई भी नहीं लिखता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये सबसे आगे बढ़ते हैं। जी जी ठीक है, तो आपने दवाई दिया तो अभी आगे का क्या रिजल्ट आता है बताइएगा। हाँ जी सर, हाँ अभी तो रिलीफ है, आगे देखते हैं सर। ठीक है डॉक्टर अवनीता जी, आप कुछ बताना चाहती हैं? डॉक्टर रेणु जी कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं आप। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्ते, बताइए सर। आज मेरे पास एक केस आया था जी, तो उसमें सर ये है कि मतलब काफी क्रिटिकल सा केस है जी। उसमें एक तो अग्नाशय शोथ है पेशेंट को, पेशेंट को मधुमेह भी है जी।
काफी टाइम से है सर, वो इंसुलिन भी ले रहा है, मतलब सुबह के टाइम पे 10 लेता है, शाम के टाइम पे 12 लेता है, फिर उसके स्टूल में ब्लड भी आता है, प्रोस्टेट भी है उसको, और चेन स्मोकर भी है, और सर वो पेशेंट गांजा जो होता है उसकी सिगरेट या बीड़ी जैसा बना के कुछ वो भी पीता है जी। और सर मतलब कुछ और नसेट्स जैसे अल्ट्रासेट वगैरह ऐसा कुछ भी यूज करता है, उसको कफ की प्रॉब्लम है, कंजेशन भी है, और काफ मसल्स में पेन भी होता है सर। तो मतलब इस कंडीशन में सर क्या करना चाहिए? आपने हेतु निकाला कैसे कैसे बीमारी हुई, संप्राप्ति कैसे हुई, दोष दुष्य समूर्छना कैसे हुई, आपने केवल सिम्टम बताया ये हो रहा है वो हो रहा है, तो शुरुआत कैसे हुआ? हाँ जी, शुरुआत तो सर मेनली तो क्या है कि पेशेंट नशा वगैरह कुछ ज्यादा करता है सर, मतलब अभी तो ये एक गांजा करता है, इससे पहले और भी नशे लेता था कुछ इंजेक्शन वगैरह के भी, तो वो भी सर एक मतलब ज्यादा अगर कोई लेता है नशे वगैरह वो भी एक रीजन हो सकता है। फिर अग्निमांद्य है सर, मतलब पेशेंट खाने का बहुत शौकीन है जी, कुछ भी स्पाइसी रात को भी खाना है। तो आपने क्या ऐसे ट्रीटमेंट क्या डिसाइड किया, क्या प्लान किया? सर मतलब आज आया ही था पेशेंट, तो मैंने अभी उसको कुछ दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? दीपन पाचन तो देते थे, आपने कहा कि वो खाने का शौकीन है। नहीं, तो अग्नि मंत्र नहीं सर, मतलब है ना पेशेंट खुद नहीं आया ना। अच्छा, आने वाले? हाँ, तो उनके मतलब ऐसा मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप कल आना। अच्छा, ऐसे चलते हैं? मतलब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं तो बता सकता हूँ। नहीं सर, मतलब पेशेंट जी, डॉक्टर आशा जी आप बताएंगी कि कैसे प्लान करते हैं ट्रीटमेंट। डॉक्टर आशा जी? हाँ जी सर। हाँ, मधुमेह है, तो मधुमेह कितने साल से है मैडम उनको? मैम मधुमेह उनको है 2012 से, मतलब सात आठ साल हो। हाँ जी मैम, ना तो है आराम से। और सिर्फ इंजेक्शन ही ले रहे हैं ना अभी दो टाइम? हाँ मैम, अभी इंजेक्शन ही ले रहे हैं। ओके, आप बता रहे थे अग्निमांद्य भी है, तो अग्निमांद्य के लिए मतलब क्या पैनक्रियाज का भी था लास्ट टाइम, अभी थोड़े दिन पहले उनको पैनक्रियाज का बहुत ज्यादा पेन हुआ था, इसके लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। अच्छा, और ये जो नशा करते हैं वो कितने साल से कर रहे हैं? मैम नशा तो बहुत टाइम से कर रहे हैं मैम, उनकी 20 इयर्स। ओह माय गॉड। अच्छा, तो मेन तो निदान परियोजन करवाना पड़े, जो नशा वगैरह करते हैं वो बंद करवाना पड़े। आज ग्रुप में किसी ने डाला है धूम्रपान के लिए, वो एक फॉर्मूला है, वो एक देख लीजिए आप। बाकी तो मैंने नशा किसी का छुड़वाने के लिए तो कभी मेडिसिन दिया नहीं है, बाकी आप मधुमेह के लिए दे सकते हैं, मधुमेहांतक लो है, फिर अपना ये गुड़मार है, कल सर ने फॉर्मूला बताया था ना वो वाला अच्छा है। हाँ जी मैम, हाँ जी। इससे धूम्रपान ज्यादा किया गया है, इसमें पैनक्रियाज नहीं होने चाहिए क्या, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस रहता है, फेटल रहता है। हाँ, वो धूम्रपान पैनक्रियाज का शुरू करना चाहिए ना ट्रीटमेंट शायद। हाँ, तो पैनक्रियाज के लिए आप दे सकते हैं ना, आरोग्य वर्धिनी वटी वगैरह चालू करिए उनको। श्रोतो अवरोध है, पहले वमन करिए, दीपन पर पहले वमन करा लेना जरूरी है। सर वमन और विरेचन दोनों करवा दीजिए। सर मतलब है ना, मतलब सेटअप पे तो करवा नहीं सकते सर, सेटअप बहुत छोटा है, तो वहाँ पे वमन वगैरह नहीं हो पाता। एज क्या, विरेचन का प्लान कर दीजिए। तो फिर एज क्या है पेशेंट की? एज मैम 45 इयर्स। और बल कैसा है? बल तो मैम लीन है थोड़ा, पेशेंट कमजोर है। अभी जैसे आप 20 साल से कह रहे हो कि वो एडिक्टेड है, तो आपने कभी हार्ट का या कोई ऐसा टेस्ट कराया है? नहीं मैम, अभी क्या है मेरे पास आज शाम को ही अभी कॉल आया था। आप अगर वमन प्लान कर रहे हो तो उससे पहले प्लीज हार्ट का वो थोड़ा उस पे आप ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज वमन एक बार मतलब वो सब चेक करके ही करिएगा ना। हाँ जी, आई थिंक इसमें वमन से बेटर तो विरेचन ही रहेगा, क्योंकि पेशेंट का बल भी, अभी क्योंकि इतने साल से एडिक्टेड है तो वैसे ही वीक होगा वो।
और पेनक्रियास का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत मतलब ध्यान से ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इनका। राइट मैम, फिर वो है ना कि उनको जैसे स्टूल में ब्लड भी आता है, वो तेज नशा करते होंगे ना, तो उसकी वजह से, गांजा आप बोल रहे थे ना, गांजे की वजह से भी कभी कभी हो सकता है ऐसा। तो पहले तो निदान परियोजन करवाइए आप उनका। मैम क्या बताए ना, में आपको जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना वो यूजुअली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और उनके मोशन क्लियर नहीं होते हैं, तो फिर वो स्टूल में ब्लड उनका आना मतलब नॉर्मल है, ऐसा मैंने देखा है। और कोई रीजन भी हो सकती है, आप पाइल्स या ऐसी चीज भी उस पे आप पूरी हिस्ट्री लीजिए, बट इनका मोशन भी क्लियर नहीं होता है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना यूजुअली। हाँ, मैम, उसमें स्टूल हार्ड होता है, मॉर्फिन वगैरह कुछ ऐसा लेते हैं ना, कोकेन मॉर्फिन, तो उनको कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं वो लोग। मैम विरेचन के लिए क्या बेस्ट रहेगा? मैडम अभी अगर आपको सद्य ही करवाना है क्योंकि पेशेंट आपके पास सेटअप नहीं है, तो त्रिरु तवले है या फिर एरंड गोक्षुर और अमलतास का काढ़ा रहता है, वो आप बना के दे सकते हैं उनको पीने के लिए। वैसे ऐसे रोगियों में लीवर अक्सर लीवर प्रॉब्लम होती है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ सर, तो इसीलिए रोहित का रिष्ट है, फिर वो आरोग्य वर्धनी है, इस तरह के आते हैं तो अक्सर देखा जाता है, तो वो देखा जाएगा तो ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल हो जाना चाहिए। जी जी, लेकिन वमन मुझे लगता है पहले ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो पेशेंट का बलहीन है ना, तो और एडिक्टेड भी है, तो उसमें अगर वमन करवाएंगे ना तो पेशेंट एक तो पहले रेडी नहीं होगा, अगर रेडी होता भी है तो उसका बल थोड़ा ठीक हो तो करेंगे तो जो लंग्स है वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा अगर हो पाए तो, नहीं तो फिर वमन विरेचन तो चाहिए ही। हाँ, विरेचन है बस्ती, बाद में आप प्लान कर सकते हो मात्रा बस्ती उनको करवा सकते हैं। मैम अगर अधोगत रक्त अदात हो रहा है तो इसमें वमन करेंगे ना, उल्टा करेंगे ना, अधोगत रक्त तो वमन की तरफ जाइए ना, इसमें अधोगत रक्त है ना सर, पेशेंट का थोड़ा पहले बल बढ़ाना पड़ेगा। बल तो नहीं, तो डाइट वमन करा जा सकता है, और वमन ही जो है कफ का मेन है, क्योंकि कफ क्रश सर्वम एक मेन हेतु तो कफ ही है मधुमेह का। अब यहाँ तो अश्वतो अवरोध भी हो रहा है क्योंकि पेनक्रियाटाइटिस भी हो रही है, तो अश्वतो अवरोध हो रहा है तो इस मींस की बीटा सेल्स और अल्फा सेल दोनों ही जो है आवरण है, इसीलिए पेनक्रियाटाइटिस हो रही है। और हो सकता है कि उसके वहाँ पे स्टोन या सिस्टिक डक्ट या सिस्टाइटिस टाइप या कॉमन बाइल डक्ट में भी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो, जिसकी वजह से उसको पेन सीवियर एक्यूट पेन रहता ही होगा। लेकिन मैम आपने जो जितना ज्यादा आप इतने सारे वो सिम्टम दे रहे हो बिना पेशेंट को देखे बता रहे हो, पेशेंट को पहले आप दर्शन स्पर्शन करिए, तब आपको बहुत सही डायग्नोसिस बनेगी, क्योंकि अभी आपने फोन पे ही इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए उससे और उसने बता भी दिए, बड़ी ताज्जुब की बात है मैम। नहीं मैम, एक बार पहले उनका पूरा परीक्षण करिए तो आपको ज्यादा सिम्टम्स मिलेंगे, संप्राप्ति बनेगी, फिर उसके बाद आप संप्राप्ति विघटन से चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैम पेशेंट करता क्या है? मैम अभी तो कुछ ही नहीं करते हैं बिल्कुल, मतलब 45 इयर्स की। हाँ, जॉब है या खेती करता है कुछ इस टाइप का? मैम कुछ नहीं, कई बार क्या है मतलब जो पे फिर, हाँ मतलब जो एडिक्टेड रहते हैं तो मे भी कई बार क्या है स्ट्रेस रिलेटेड भी रहता है ना, तो ये चीज भी देखना पड़ेगा पेशेंट क्या करता है, कहीं तो जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और चीज, ये चीज भी है। और जब तक अपन ये पूरा ये सब चीज ये जो एडिक्शन है वो खत्म नहीं करेंगे तब तक पैंक्रियाटाइटिस ठीक नहीं होगा। मैंने एक पेशेंट को मतलब सिर्फ क्या दिया था, दीपन पाचन दिया था, विरेचन दिया था, और बस स्ट्रेस को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन दी थी। मैम 20 साल से वो एडिक्ट, 20 साल से एडिक्ट है, उसको कैसे एकदम से छुड़वा देंगे? यस सर, वो बढ़िया बड़ी बात है, काउंसलिंग से अगर वो पेशेंट खुद ही अगर वो उसको छोड़ना चाह रहा है तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो डी एडिक्शन का। जब तक उसे मैम वो तो बिना उसको लॉकअप में डाले उसका ट्रीटमेंट हो ही सकता। 20 ईयर से वो स्मैक कोकीन
अफीम सब ले रहा है, 20 years विद अल्कोहल सब ले रहा है वो। नहीं सर मतलब अभी तो सर वो ऐसा कुछ नहीं ले रहा, मतलब अल्कोहल वगैरह नहीं है अभी सर, मेन वो है कि चेन स्मोकर है और गांजा लेते हैं। हाँ देखिए तो है तो ले तो नहीं, गांजा भी तो ले रहा है, गांजा कहाँ से ला रहा है वो, गांजा कहाँ से ला रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो लगातार 20 साल से ले रहा, क्या क्या लिया है 20 साल से पता नहीं क्या क्या लिया, हम तो नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। नहीं सर मैंने भी एडिक्शन कराना जरूरी है पहले तो आप इस केस में, क्योंकि जितना भी आप ट्रीटमेंट करवाएंगे ना एडिक्शन की वजह से वो सब फेल ही जाएगा, पहले तो डी एडिक्शन कोई उनको कोई डी एडिक्शन सेंटर का सेंटर में भेज दीजिए, तो वहां जाके उनको वहां रहने से ही होगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट का डी एडिक्शन उसी से होता है, घर पे रह के नहीं हो पाता है। मैम पेशेंट है या कोई रिलेटिव में, ऐसा इतना क्लोज आपको जो आंसर दे रहा है, पेशेंट में है या कोई रिलेशन में है, बिल्कुल सही सही बताइए। नहीं नहीं मैम पेशेंट है, बिल्कुल सही सही है सर पेशेंट। तो पेशेंट इतना ज्यादा आपको डिटेल से फोन पे कैसे बता दे रहा है बिना आए? सर ऐसे नहीं है, क्योंकि उनके जो मैडम है ना, मतलब अच्छा, उन्होंने बताया क्या कि पेशेंट जो है ना, हाँ उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे करते हैं, ये ले रहे हैं, क्योंकि पेशेंट उनके वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जैसे उनकी मैडम की मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो उन्होंने अच्छा। बताया कि वो ऐसे ऐसे ये सारी भी चीजें ले रहे हैं, तो उनका भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अब समझ में आ गया। ठीक है मैम आप देखिए पहले उनको बुलाइए फिर आप करिए मैम काउंसलिंग, जरूरी है मैडम इसमें पहले तो। जी फिर एनर्जी काउंसलिंग और अभी दीपन पाचन और वातानुलोमन और रेचन शुरू कर दीजिए एक बार, तो उनका थोड़ा स्रोत क्लियर होगा, उसके बाद में फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। मैम त्रिव्रत अवले से विरेचन करवा सकते हैं? हाँ सद्य विरेचन करवाना है तो त्रिव्रत से करवा सकते हैं। मैम नाइट में दे दें एक ही टाइम ना? हाँ जी लेकिन मैम गांजे पहले स्नेहन करवाइएगा थोड़ा बहुत। हेलो हाँ जी हाँ जी मैम, जो लोग गांजे का इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं उनमें मैंने एक चीज देखी कि उनका जैसे जो ड्राइनेस उनमें बहुत ज्यादा आ जाती है। हाँ जी तो इसमें अगर स्निग्ध विरेचक यूज कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा विरेचक। पर सर पैनक्रियाटाइटिस भी तो है आप वो भी तो? अच्छा पैनक्रियाटाइटिस है हाँ, तो फिर आपको दाढ़ी मादी घृत वगैरह से आप स्नेहन करवा दीजिए। मैम पैनक्रियाटाइटिस है ना अभी, एक्यूट हो जाएगा फिर से। हाँ सही है दाढ़ी मादी घृत से एक्यूट हो जाएगा। तो फिर बिना स्नेहन किए ही आप विरेचन करवा दीजिए पहले। अकेला त्रिव्रत तवले से करवा देते हैं ना? हाँ जी और उसके बाद वातानुलोमन के लिए उनको आयरन पृष्ठ हरि तक की ऐसा कुछ। हाँ जी मैडम हाँ सर आप बताइए ना कुछ। नहीं मैं सुन रहा हूँ आप लोगों का और वो केस टेकिंग अच्छे से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पेशेंट को आने दीजिए तो हम और अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है और कोई बताना चाहता है, कोई केस प्रेजेंट करना चाहता है डाउट से तो आ सकते हैं। सर नमस्कार। जी सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया जी। सब पहले तो आपको बधाई, आज हाउसफुल है जी। और मैं सर आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, आजकल जो कोविड पोस्ट कोविड डेथ हो रही है जी, ब्लैक फंगस बोल रहे हैं जिसको, हाँ। उसमें वैद्यगर्म हमारे आयुर्वेद का क्या रोल हो सकता है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी मैं बताऊंगा लेकिन पहले डॉक्टर ये कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस का चिकित्सा सर सबसे ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ सर इसमें कुछ बहुत बताइए देख रहा हूँ आजकल सर सबसे ज्यादा जो स्टेरॉइड हैवी अमाउंट में लंबे समय तक दिया जा रहा है और दूसरा ये सबसे बड़ा एक कारण है। दूसरा क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम हो जा रही है पेशेंट की। नंबर दो डायबिटिक को मॉर्बिड पेशेंट जिनका अनकंट्रोल डायबिटिक है उनमें ये हो रहा है। नंबर तीन अगर रीनल फेल्योर की तरफ पेशेंट है या रीनल डिजीज है उसमें ये हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो इस समय जो हो रहा है वो लोग बाग एक मास्क को लगातार धो धो के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फंगस वहां से इनहेल कर रहे हैं और वो पैसा बचाने के लिए या कह लीजिए कि वो उसी को वॉश ना वो कुछ सैनिटाइज कर रहे हैं, कुछ बहुत समझदार है तो वो सैनिटाइज करके उसी मास्क को, तो जो फंगस के स्पोर्स मॉइस्चर में रहते हैं वो इनहेल कर रहे हैं इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ये समझ नहीं रहे हैं।
और वो लगातार फंगस के स्पोर्स को इनहेल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल का जो एक्वायर्ड सेटअप है, वो लोग जो रीयूज्ड कैनुला है, रीयूज्ड मास्क है, रीयूज्ड ऑक्सीजन के वो हैं, और इवन ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ऑक्सीजन पाइप से वो माइक्रो स्पोर्स जो है सिलेंडर से ट्रेवल हो रहे हैं, और वो पेशेंट के स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी लेस होने की वजह से, और स्टेरॉइड का कोर्स भी 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 15 दिन, महीना महीना बाद, अगर 3 हफ्ते पेशेंट हॉस्पिटल में रह लिया और 3 हफ्ते उसने स्टेरॉइड ले लिया, तो 100% में म्यूकोर माइकोसिस की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये इतने सारे फैक्टर्स जो है म्यूकोर माइकोसिस की तरफ जा रहे हैं, और वो बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है, क्योंकि वो प्राइमरी उनका ये है कि पेशेंट की जिंदगी बचे, लेकिन वो साथ साथ वो सेकेंडरी चीजें दे रहे हैं। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ सर, आज हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है सर, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग बचा सकते हैं पेशेंट को मास्क की, भैया पहले तो नंबर पे हम लोग तो मास्क को कह सकते हैं मास्क चेंज करो, क्यों मास्क रोज रोज पहने पड़े हो, मैं तो हर बार सुबह का शाम मास्क अलग होता है मेरा, शाम का मास्क अलग होता है, यहाँ तो डबल मास्क का पैटर्न चल रहा है लखनऊ में, आप दूसरा एयर में भी स्पोर्ट्स हैं, अब आपको मास्क में ही कंजूसी कर रहे हैं और मास्क टच कर रहे हैं हाथ से, मॉइस्चर वाली जगह में ज्यादा रह रहे हैं, या नहीं आप मॉइस्चर जगह में हैं तो आपका जो मास्क के और मुंह के बीच में जो मॉइस्चर है उसमें भी तो आपका फंगस है, वो आप इनहेल कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, आप सैनिटाइजेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नोट छू रहे हो, नोट छू के आप सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हो, हाथ वॉश नहीं कर रहे हो सर, ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो सर बहुत ब्रॉड है, ट्रीटमेंट तो आप पहले तो आप इसमें ट्रीटमेंट में तो आप डॉक्टर पाठक बताएंगे इसमें की जो कुष्ठ और सांस और कुष्ठ ये सब डॉक्टर पाठक बताते हैं, ये तो आप एक एक चीज को पकड़िए, सांस और कुष्ठ, रक्त और कुष्ठ, पित्त और कुष्ठ, जैसे पाठक सर बोलते हैं, पाठक सर आप इसके बारे में आप बताओ, आप एक्सपर्ट हो, मैं बताऊंगा, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो कंप्लीट तो करिए, मेरा तो हो गया कंप्लीट ना, ये ट्रीटमेंट पूछ रहे, तो ट्रीटमेंट तो अभी बहुत लंबा है ना इसमें सर, आप बताओ, क्योंकि कुछ का ट्रीटमेंट बहुत लंबा है। अरविंद सक्सेना सर, यस मैम, सर डेली अगर डिस्पोजेबल मास्क यूज करेंगे डेली का डेली, तो क्या बच सकते हैं इससे हम? हाँ मैम, डेली तो करना ही चाहिए मैम, मैं तो डेली करता हूँ, डबल मास्क डेली फेंकता हूँ मैं रखता ही नहीं उसको, N95 वाले चक्कर में नहीं पड़ता मैं, N95 आप एक बार खरीदोगे 200 रुपए का, 100 रुपए 150 रुपए का, और उसको बचाने की सोचोगे एक हफ्ते तक, जी 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 जी, एक हफ्ते तक बचाने की सोचोगे, अरे एक हफ्ते में आप क्या करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग मैम करते हैं 4 N95 मास्क ले लिए उन्होंने, अब वो पहले तो धोते, अब बड़े समझदारी से बताते हैं कि पहले मैंने धो दिया उसको रख दिया, फिर दूसरा निकाला उसको धोने सूखने के दे दिया, तो चौथे दिन पहले मास्क का नंबर आता है, अरे चौथे दिन आ रहा तो क्या चौथे दिन में उसका फंगस खत्म हो गया, आपने वॉश ही तो किया है, आपने फुल्ली माइक्रो स्टेलाइज तो नहीं किया है ना, तो फोर्स उसमें रहेंगे रहेंगे, मॉइस्चर है गीला हुआ है तो वहां माइक्रो फंगस के पोर्स होंगे, स्पोर्स होंगे ही होंगे, तो वो आप इनहेल करोगे करोगे, कैसे आप उसको 100% सैनिटाइज कर सकते हो, कर ही नहीं सकते आप, कॉटन वाले मास्क में भी बने रह सकते हैं, कॉटन में मैम, कॉटन वाले मास्क का पोर साइज 300 माइक्रो से कम होता है, ज्यादा होता है सॉरी, और वायरस का साइज है 3 माइक्रो करके, तो वो कैसा भी आपका मास्क होगा वो पेनिट्रेट तो कर ही जाएगा, वो रोक तो ना पाएगा, जी जी नहीं, वायरस नहीं रुक सकता, वायरस इनहेल होगा, आपकी इम्यूनिटी से वो एक्सहेल होता है, इम्यूनिटी से आपको बचाता है, और आपकी सांस के साथ में वो एक्सहेल होता है, मास्क रहेगा तो वो प्रोटेक्ट करता है, तो वो उसी एटमॉस्फेयर में रहता है वायरस। थ्री प्लाई मास्क सफिशिएंट है सर, 3 प्लाई हो चाहे 7 प्लाई मास्क हो, आप जो अपने शरीर से बाहर फेंक रहे हो वो आप बाहर नहीं फेंक रहे हो, वो आप अपने मुंह के चारों ओर एक पॉकेट बना के रख ले रहे हो वहीं पे, ये आप सोचिए बाहर वाला जो एयर में जो स्पोर्स है, क्योंकि किसी ने अगर 15 मिनट पहले छींका होगा जो कोविड पेशेंट होगा, तो आप उस रस्ते से अगर निकलेंगे तो वो आपको वायरस तो अटैक करना ही करना है,
तभी तो कहा जा रहा है घर में रहो। जी 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 अपना तरफ से मैं बता देता हूँ फिर आप सर, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए बिल्कुल। हाँ तो अभी ना हमारे जो आदरणीय गुरुजी हैं वैद्य समीर जी मदग्नि सर, उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च करके बताया है, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे और फिर उन्होंने म्यूकर माइकोसिस पे अपने आयुर्वेदिक विचार रखे। ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु जी का है। तो वो बताते हैं कि ज्वर और कुष्ठ ये हमें देखना चाहिए, पेशेंट को फीवर है और कुष्ठ, श्वास रोग है और कुष्ठ, कास रोग है और कुष्ठ, शोथ रोग और कुष्ठ, प्रतिशय और कुष्ठ, कुष्ठ प्रमेह और कुष्ठ, कुष्ठ पित्र रोग और कुष्ठ, ग्रहणी रोग और कुष्ठ, फिर रक्त पित्त और कुष्ठ, पांडु रोग और कुष्ठ, विसर्प रोग और उन्माद अपस्मार और कुष्ठ, ये सब का हमने देखना है। और फिर इसमें प्रथम पित्त कफ और धातु पाक अवस्था यह देखना है। धातु अगर देखेंगे ये म्यूकर माइकोसिस का, तो इसमें रस रक्त मज्जा लसिका वसा इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रह रहा है, रस रक्त मज्जा लसिका और वसा। फिर उसके बाद में मल देखेंगे तो मांस मल की ज्यादा दुष्टि हो रही है और स्वेद स्वेद का। फिर इसमें चिकित्सा देखना है देना है तो हमें गंडूष कराना है, बिडालक, फिर कर्णपूरण, लेप, मलहर, इन सब का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो हड़ताल और मनशिला के जितने भी कल्प हैं वह दे सकते हैं। फिर राल जो रहता है सर्जरस उसका यूज कर सकते हैं, गुगुल कल्पना दे सकते हैं, देवदार, नीम तेल, करंज तेल, सहचर तेल। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसमें ना चिकित्सा में नस्य का प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा म्यूकर माइकोसिस में। फिर गंडूष का बहुत ज्यादा उपयोग रहेगा, गंडूष का। फिर बिडालक का बहुत ज्यादा उपयोग रहेगा। सर वो बताते रहिए किस किस से नस देना, किससे गंडूस करना है, किससे वो बिडालक। तो किसी भी चीज जैसे ये ज्योतिषमती तेल, बच्चा तेल, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां हैं, वो सांस लेने को भी अच्छा करेंगी और संज्ञा भी अच्छा करेंगी। हमें कैसे भी प्रोटेक्शन करना है वहां पे। और गंडूस करना है तो त्रिफला काढ़ा का गंडूस कर सकते हैं, फिर बिडालक कर सकते हैं, फिर कर्णपूरण के लिए हम लोग सरसों का तेल कान में डालें, या पंचेंद्रिय वर्धन तेल, या बच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, अणु तेल, कोई भी हम षड बिंदु तेल, ये इसका प्रयोग करें। अभी देखिए 100 लोग हो गए, हाउसफुल हो गया पूरा। लेकिन सर जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, एडमिट पेशेंट है, आईसीयू में पेशेंट है, उसको कैसे बचा सकते हैं? जो हमसे चिकित्सा लेना चाहते हैं वही, उनको ही हमें बचाना है। जो हमसे नहीं चिकित्सा लेना चाहते हैं उनको छोड़ देना है। अब पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी 100% वैक्सीनेशन हो गया। नहीं लेकिन मतलब हम लोग को यही प्रोसीजर करना होगा कि वहां पे भी हमको संप्राप्ति देखनी होगी कि रस रक्त लसिका मांस, और जैसे कि कुष्ठ में होता है, कुष्ठ में होता है रक्त लसिका और त्वचा मांस होता है, इसमें रस रक्त के साथ में मज्जा भी आपका इन्वॉल्व है, और है ना। तो सर कुष्ठ की चिकित्सा तो करनी करनी है, लेकिन हम अगर इसको सोच के चलें कि कुष्ठ को, अब कुष्ठ आपने जोड़ा ही है इसमें कुष्ठ को, और कुष्ठ वाले पेशेंट अगर, चूंकि अगर एडमिट पेशेंट है या उसमें ओटी में है या आईसीयू में है, तो उसमें सर गंडूस और ये, क्योंकि ऑक्सीजन लगातार चल रही, तो गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया है। जो पेशेंट हमें अलाउ कर रहे हैं उनके लिए हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं और सफल चिकित्सा होती है। जो जहाँ अलाउड नहीं है वहां पे आयुर्वेद जबरदस्ती नहीं जाना है। हाँ फिर ना सुनिए, तो फिर लेप लगा सकते हैं इसमें बहुत सारा। तो इसमें लेप के लिए हड़ताल और मनशिला का जो भी है व्याधिहरण रसायन है बहुत अच्छा काम करता है। फिर सर्जरस के जो राल है उसका लेप मलहर कल्पना में बताया है भैषज रत्नावली में, उससे अच्छा फायदा होता है। फिर गुगुल कल्प उसमें एकेटी जो है अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर नीम तेल से हम वहां पे लगा सकते हैं जहां पर म्यूकर माइकोसिस हो रहा है। फिर करंज तेल, एरन तेल, देवदार तेल, मुरवा, ये वनस्पति से सिद्ध किया हुआ तेल का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ताप्यादि लौह जो है रौप्ययुक्त, उसका बहुत अच्छा रक्त प्रसादन के लिए हो सकता है। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म का यूज हो सकता है, समीर पन्नग रस का, फिर मांस पाचक मेदो पाचक इसका यूज हो, बहुत सारे मैं बता रहा हूँ इसमें से अवस्था के हिसाब से। फिर पंचतिक्त इसका काढ़े का सेवन कराएं और ऊपर से धोएं। फिर मुरवा, दोनों टाइप का जो हल्दी है, हल्दी और दारू हल्दी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह इंटरनली भी दे सकते हैं। इंटरनली में मैं फिर से बताता हूँ, ताप्यादि लौंग, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, समीर पन्नग रस, मांस पाचक मेदो पाचक, पंचतिक्त, मुरवा, दोनों टाइप का हरिद्रा,
घी और मध के साथ विषम मात्रा में सुबह और शाम देना है। फिर अष्टमूर्ति रसायन जो है बहुत अच्छा काम करता है। फिर स्वर्ण सुध शेखर रस बहुत अच्छा काम करता है। सर्व रत्न पिष्टी अच्छा काम करता है। लक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा काम करता है। लक्ष्मी विलास सादा वाला, छोटा वाला जो लक्ष्मी विलास है, या महालक्ष्मी विलास बहुत अच्छा काम करता है। दशमूल बहुत अच्छा काम करता है। फिर राल जो रहता है सर्ज रस वह करता है। पत्री हरताल भस्म रहता है वह अच्छा काम करता है। अस्थि मज्जा पाचक अच्छा काम करता है। फिर शतावरी बला यष्टि मधु शुद्ध गंधक तमाल पत्र इसको मध के साथ दोपहर और रात में दें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर तीन तरह के तेल लेने हैं। 500 ml एरंड तेल लेना है, 1 पाव नीम तेल लेना है, 1 पाव करंज तेल लेना है। ये तीनों को मतलब एरंड तेल 500 ml आधा लीटर एरंड तेल ले लिया और नीम तेल 1 पाव और करंज तेल 1 पाव इन सबको मिक्स करना है और उसमें क्या करना है कि हरताल भस्म डालना है, मनशिला डालना है, इसको मिक्स कर देना है और पेशेंट को जहां जहां म्यूकर माइकोसिस का इन्फेक्शन है वहां पर लगाना है। और उसमें और क्या कर सकते हैं तो राल है, गुग्गुल है, मुरवा, नीम, आरगवत तेल इसका नस से दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्त्रंसन करना है, पेट साफ करना है तो उसमें मनुक्का और आरगवत इसका फांट बना के देंगे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। खाने पीने में क्या करना है कि खाने में गेहूं खाने के लिए देना है, गेहूं का आटा वगैरह, और यव देना है, आंवला देना है, दूसरा मूंग दाल, जांगल पशु पक्षियों का मांस रस, पुराने जो धान्य होते हैं 1 साल 2 साल पुराने जो धान्य है वह देना है। फिर जो फल भाजी मतलब लौकी भिंडी फूल गोभी पत्ता गोभी ये सब फल भाजी देना है। फिर सेंधा नमक ये सब देना है तो म्यूकर माइकोसिस से पेशेंट को जल्दी से बचाया जा सकता है। व्याधिहरण रसायन तो बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, ग्रुप पे डाला है अभी मैंने वो मैसेज, पहले 4-5 दिन पहले डाला था, अभी आप बता रहे तभी पे डाला है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं वो अभी सब जो आपने बताया ना समीर जमेद अग्नि सर के फॉर्मूले। डॉक्टर नवीन जोशी सर जी ये हाउसफुल जा रहे हैं तो आप और लोगों को ऐड करने का कोई रास्ता बताइए ना। डॉक्टर नवीन जोशी सर जी शायद चले गए। मराठी में हिंदी वाला नहीं आपके पास, उसमें मराठी में लिखा हुआ है सर, हम ट्रांसलेट करके देंगे सर, मैंने लिखा हुआ है मैं आपको भेज दूंगी। हाँ मैम उसमें दे दीजिएगा, हिंदी वाला चाहिए क्योंकि वो मराठी में समझ में नहीं आ रहा है सर। जो अभी सर आप समझ जाएंगे, आप मराठी मैसेज अगर पढ़ते रहेंगे ना सर तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं मैम प्लीज हम भी रिक्वेस्ट करते हैं इसको हिंदी में डाल दीजिएगा प्लीज। जी जी बिल्कुल जी, 2-3 दिन से आ रहा मैसेज, वो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा वो लगाना पड़ता है ना हम लोग में इजी रहता है जी। ठीक है अरविंद सक्सेना सर, अगर आपको विडाला के उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया किस किस इन द्रव्यों से करना है इनका म्यूकर माइकोसिस। विडाला के जैसे डॉक्टर साहब ने तो छीर वाला और तिफला वाला बोला ना, तिफला वाला अभी ईदी की डॉक्टर साहब ने जो है केवल स्किन और आई पे कंसंट्रेट किया है पाठक सर ने, अभी जो है जैसे अगर कोई स्पेसिफाई किया द्रव्य नहीं, सुनिए तो अभी हमारा लंग्स की तरफ जो कोविड पेशेंट जिनकी डेथ हो रही है तो उसमें डॉक्टर साहब का भी उसमें नस ही निकल के आया अभी तक मुझे, और डॉक्टर साहब से यही तो मुझे पाठक सर से जानना है कि और क्या बेटर मेरे में, क्योंकि वो कोविड पेशेंट जो आईसीयू में है या जिनकी वजह से डेथ हो रही है या जो 21 दिन हॉस्पिटल में रह के आ गए और जिनके लंग्स में जो है तो नस के अलावा और कुछ क्या कल्पना जा सकती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने पाठक सर ने 4 चीजें बोली है, एक तो हड़ताल है, गुग्गुल है, मैनिल है और बाकी 3 तेल जैसे अरंड तेल, नीम तेल और करंज तेल। अब ये मिला के ये तो स्किन प्रिपरेशन के लिए ठीक है लेकिन अगर हमको इंटरनली देना है तो कैसे सर, कल्पना सर कुछ और बताइए सर इसके बारे में। सर मैं ये सोच रही थी कि जैसे व्याधिहरण रसायन, व्याधिहरण रसायन है ना उसमें हड़ताल है, मनशिला है और वह स्पेशल म्यूकर माइकोसिस में बेस्ट दवाई है, प्रूवन दवाई है कि उस पे रिजल्ट आ रहा है। और सर ऐसे लोकलाइज्ड काढ़ा ये रक्त प्रसादन के लिए सब बताया। हाँ अलग अलग अवस्थाएं मैंने बताई ना, ज्वर और कुष्ठ, प्रतिशय और कुष्ठ, तो मेन स्वतंत्र व्याधि परतंत्र व्याधि क्या है उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन व्याधिहरण रसायन बैद्यनाथ का मिल रहा है,
आप लोग दीजिए ना पेशेंट को, बहुत अच्छा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात सर इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें अभी एकदम से आपके पास पेशेंट आएगा तो आप कैसे हाउ यू कैन। तो इसमें मैं देख रहा था कि इसमें कल्चर कराया जाता है स्पुटम का जी, और जो स्पुटम का कल्चर करा के उसमें अगर आपके स्पोर्ट्स आते हैं तो फिर आपको उसमें बायोप्सी करानी पड़ेगी सर, या या सीटी कराइए या एमआरआई पे उतरिए। तो हम लोग के तो ये थोड़ा सा आप इतने एकदम से डायग्नोस बना नहीं सकते, और डायग्नोस बनाएंगे तो आप इतनी कॉस्टली जांच कराएंगे, तब जाके आप टेस्ट आउट करोगे, तब उसके बाद आप सोचोगे क्या दूं। तो सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी इसको, बहुत आई थिंक सर स्प्रेड तो जल्दी हो रहा है सर, वो 1-2 डे के अंदर स्प्रेड कर जा रहा है, तो सर इतना लंबा प्रोसेस के लिए तो मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम आपके पास, पेशेंट क्या सिम्टम देगा जिससे आपकी डायग्नोसिस बनेगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है, आप बताइए सर। जो अभी सिम्टम्स दिख रहे हैं कि स्वेलिंग आ रहा है फेस पे, आईज पे जो नेजल कंजेशन बढ़ रहा है ना, तो नेजल ब्लॉकेज हो रहा है उसको, और इसको आप म्यूकोरमाइकोसिस थोड़ा ले जाएंगे, तो जनरल पेशेंट में भी हो रहा है एक तरह से, कुछ रोग हो रहे हैं ना पोस्ट कोविड सर, पोस्ट कोविड पेशेंट में हम थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे इस चीज के लिए सर। मैं सिम्टम्स बताऊं, कोविड जितना भी पेशेंट है उसको हम लोग सोच रहे पहले से कि हमको उसको बचाना है म्यूकोरमाइकोसिस। नहीं मैम वो तो सही है, लेकिन आपकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं है सर, मैं बताऊं सिम्टम्स? हां मैम बोलिए। हां तो जब वो राइनोसेरेब्रल में होता है, विच इज लाइक साइनस या ब्रेन के आसपास, अगर उसके मतलब उसका इन्फेक्शन पहुंचा है तो उसके जो सिम्टम्स है वो वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग होती है, हेडेक, नेजल और साइनस कंजेशन होता है, ब्लैक लीजन्स ऑन द नेजल ब्रिज और अपर इनसाइड ऑफ द माउथ दैट क्विकली बिकम्स मोर सीवियर, और फीवर होता है। These are the symptoms for the sinus and brain involvement जब होता है. The symptoms for pulmonary lungs involvement, उसमें fever, cough, chest pain and shortness of breath होता है. जब gastrointestinal होता है involvement, abdominal pain, nausea, vomiting, gastrointestinal bleeding. और skin के ऊपर जब होता है तो it looks like blisters or ulcers and infected area may turn black. Other symptoms includes pain, warm, मतलब वहाँ जब feel करते हैं तो गर्म feel होता है, excessive redness और swelling around a wound. So ये सारे symptoms बताए हैं अलग अलग area के हिसाब से. Oral thrush रहता मैं? हाँ. Spots बता रही हैं. Oral thrush के साथ में spots, black spots बताया आपने, highlight किया ना? हाँ, skin पे जब होता है तो blisters या ulcer जैसा होता है, और उसमें जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो ब्लैकिश जैसा लगता है कलर उसका, और जो सिम्टम्स होते हैं उसके लोकलाइज्ड वो पेन, वॉर्म, एक्सेसिव रेडनेस, स्वेलिंग उसके आसपास देखने को मिलती है। और आई थिंक साइनस में जो आपने बताया ना, जैसे फेशियल स्वेलिंग है, हेडेक है, नेजल कंजेशन है, फीवर है, ब्लैक लीजन है, ऑर्बिटल पेन, मैम आईबॉल पेन है बहुत ज्यादा उसमें। सर इसमें जैसे लोकलाइज्ड हमने स्नेहन स्वेदन, वो जैसे नीम के पत्ते है, क्योंकि नीम तो बहुत अच्छा एंटी फंगल है ना, एंटीबायोटिक है वो पूरा आयुर्वेदिक, तो एटलीस्ट नीम तो लोकली मतलब लोकल एप्लीकेशन के लिए तो जैसे आपने सब कुछ बताया दिया है, पर जैसे लोकलाइज्ड कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इनहेलेशन से ही स्टीम में अगर वो जाती है इनहेल वो तब मतलब अगर वो फ्रीक्वेंटली लेता है इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन जैसे हम कराते हैं, तो हो सकता है उससे कुछ फायदा हो। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो ऐड कर सकते हैं, ये ओपन है सभी के लिए। एक्सटर्नल है तो महामारी मरीचादी तेल दे सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना, किसी को ऐड करना है तो अपनी मेडिसिन बता सकते हैं। हेलो हेलो सर, इधर कृमिघ्न गण का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसमें विडंग और पलाश बीज ओरली भी देते हैं और धूपन भी करते हैं कृमिघ्न गण से। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर मैं ये जानना चाह रहा था जी, जैसे हम कोविड से पहले महासुरक्षण गणवटी और ग्लो गणवटी वगैरह दे रहे हैं, कुछ ऐसा है जो हम पोस्ट कोविड को 10-15-20 दिन दे दे ताकि वो ब्लैक फंगस से बचा रहे, ऐसा कुछ
जी तो ऐसा है ना, व्याधि हरण रसायन इंटरनली दीजिए ना आप। हम ऐसा कुछ प्रोटोकॉल रखें जैसे कि जो भी पेशेंट हमें लग रहा है भी पोस्ट कोविड हो रहा है तो आप हो रहा है, महालक्ष्मी विलास रस देंगे, महालक्ष्मी विलास रस पहले से इम्यूनिटी बढ़ा देगा, तो ऐसे दवाइयां दीजिए, जय मंगल रस, महाभूत, ये महालक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण मकर ध्वज, ये फिर च्यवनप्राश दे दीजिए, ब्रह्म रसायन दे दीजिए, इतनी सारी रसायन द्रव्य है वो दे देंगे तो होगा ही नहीं, उसको अग्नि प्रदीप्त करिए, अग्नि प्रदीप्त। यही सर ये जो हम कर सकते हैं, बाकी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ट्रीटमेंट, तो ये ज्यादा बेटर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी सर एक बात बोलूं क्या अभी? हाँ बोलिए, एक क्या बात बोलिए। हाँ वही तो है, लेकिन अगर हमें को प्रिवेंशन में ही लेना है तो नस्य ले सकते हैं, कर्णपूरण ले सकते हैं, और त्रिफल अग्रुत जो है ना वो भी हम आंखों में थोड़ा थोड़ा डाले ना तो इससे प्रिवेंशन तो होगा ही सर। निम्ब तेल, करंज तेल, ये हम डेली अपनी हैबिट जो अगर डाले ना कोविड में भी और पोस्ट कोविड में भी तो भी चलेगा ना सर, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, थोड़ा सा। हाँ अगर आप 6-7 दिन लगातार नीम तेल करंज तेल डालते हैं और अगर 2 दिन का गैप रखकर सादा अपना घृत भी डाले ना गो घृत तो भी उससे जो भी इरिटेशन, अगर नीम तेल आपको लगता है कि नीम तेल से थोड़ा रुक्षता वगैरह आए तो वो गो घृत से बैलेंस हो जाएगी, फिर आप कंटिन्यू कर सकते है और इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम उसमें जो शिरोरोग का अगर हम देखें तो कफ का स्थान तो रहता ही है और कोविड में तो कफ रहता ही, कोविड में तो कफ की दुष्टि हो जाती है, प्राणवायु की भी दुष्टि हो जाती है, तो वातहर द्रव्य और कफहर द्रव्य जैसे कर्णपूरण करने से वात पे काम हो जाएगा और नस्य करने से कफ पे भी उसका असर हो जाएगा, तो कर्णपूरण और नस्य करने में कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ऐसा मुझे लगता है। और भी कर सकते हैं ना सर डेली। डॉक्टर दीप्ति जी कुछ बोलना चाहती हैं, डॉक्टर दीप्ति जी और संजय त्यागी जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर मुझे ये कहना है कि ये जो जब फंगल इन्फेक्शन होता है और म्यूकोरमाइकोसिस में वो ऑर्गन या फिर टिश्यूज सड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई हमारा पहुंचता नहीं है, तो हमें सारे ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई नॉर्मल करने के लिए अगर हम लोह कल्प यूज करें तो जैसे पंचामृत लोह गुगुल सारे ब्रेन के टिश्यूज का ब्लड सप्लाई अच्छा करता है, सप्तामृत लोह गुगुल अगर पोस्ट कोविड में अगर हम स्टार्ट करें तो उससे रक्त क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा, गुगुल है एंटीबायोटिक जैसा भी काम करेगा, रजत भस्म बहुत सारे लोह भस्म है तो वो रक्त का क्वालिटी अच्छा करके कंटिन्यूअसली ब्लड पहुंचाएगा वहां पे, तो डेड टिश्यू होने का चांसेस कम रहेगा थोड़ा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम कौन कौन से गुगुल यूज कर सकते हैं इसमें? फिर पंचामृत लोह गुगुल और सप्तामृत लोह गुगुल भी ऊर्ध्वांग में अच्छा काम करता है, पंचामृत लोह गुगुल भी ब्रेन टिश्यूज पे अच्छा काम करता है, पैरालिसिस के पेशेंट में हम देते हैं ना। ओके थैंक यू सर। हमारे आयुर्वेद में तो जलनीति कितनी अच्छी बताई है, एक नाक से एक नॉस्ट्रिल से पानी डालो और दूसरे नॉस्ट्रिल से निकालो, हाँ गुनगुना पानी में थोड़ा मीठ डाल के अगर हम करते तो नेजल पाथ, पोस्ट नेजल पाथ और अपना माउथ कैविटी भी उससे अच्छी रहेगी, एकदम अच्छी क्लीन एंड क्लियर। हाँ दैट इज अ नाइस आइडिया, उसमें क्या डाल सकते हैं उसमें और अगर हम पानी में डाल यूज करें तो? गुनगुने पानी में थोड़ा मीठ डाल के कर सकते हैं या साथ ही गुनगुने। हाँ बट जैसे अभी अगर हमने हमको इस केस में इसके हिसाब से देखना है अगर एंटी फंगल के हिसाब से। नहीं मैम अगर आप साथ ही गुनगुने पानी में मीठ डाले ना तो भी वो साफ हो जाएगा। नमक बोल रहे हैं ना आप? नमक हाँ, नमक नमक हाँ। तो उसके उसमें और कुछ वनस्पति का पानी बना के जलनीति करने के लिए तो नहीं बोला है उन्होंने, साधा गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के जलनीति किया तो उसे इफेक्ट होता है, और इसका प्रूवन फॉर्मूला तो पुणे में से एक हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कोविड में सभी डॉक्टर को उन्होंने जलनीति करने को सिखाया और रोज दिन भर बाहर रहने से भी 100 में से सिर्फ 2 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव आए थे, और ये वही MBBS डॉक्टर है MD डॉक्टर है जिन्होंने खुद वीडियो बना के पोस्ट करके वायरल किया था,
मंगेशकर हॉस्पिटल है शायद, पुणे का शायद, देखा था मैंने, देखा था। हाँ हम लोग को जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस वाले हैं उनको जननीति तो डेली करना ही चाहिए। मैंने तो बाथरूम में अपना वो जो जग है उससे मैं जननीति करता हूँ, खड़े खड़े मैं डेली करता हूँ। मैं अच्छा। एक नाक से छोटा मुंह खोल के अपना झुक के थोड़ा सा, और वो हाँ, वो सर, बहुत बढ़िया। और हाँ, थोड़ी से सर, हर किसी को थोड़ी प्रैक्टिस से हर किसी को वो आ जाएगा। और हाँ, अगर एक आध बार थोड़ा फर निकल भी गए तो इतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा है। तीन चीजें तो हम लोग को करनी है, गार्गलिंग कर सकते हैं इसको, एक तो जननेती, एक गार्गलिंग और एक कर सकते हैं, कवल गंडूश कर सकते हैं। हाँ। तो प्रिवेंशन में तो बहुत सारी चीज हमने जो वो जो मैसेज है ना उसमें तो उन्होंने नस्य गंडूश ये तो बताए, और स्टीम और इससे ही बचा होगा सर, बाकी तो कोई ऐसा ये नहीं है। जैसा मैडम ने बोला कि सप्तामृत लो दे दो, और इससे भी थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह उसको रक्त की क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर पात हम रोज साफ करते हैं, जैसे आज इन्फेक्शन हुआ तो सुबह में अब हम करते हैं, तो उसका स्प्रेड भी नहीं, अंदर भी नहीं जाएगा, जल नीति से नस्य से वो वही पे स्टॉप हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। पाठक सर बोलते हैं ना, पाठक सर बोलते हैं कि रसायन आपको लेना है, जैसे चाहे आप कोई भी रसायन, बस आप रसायन लेते रहो तो इम्यूनिटी अगर कुछ वायरस जाएगा भी तो फिर वो आपको कवर अप हो जाएगा आपकी इम्यूनिटी से, और वो ही आपका मेन है इसमें। तो हम तो ज्यादा सबसे ना मैम कुछ बताना चाह रही है कि सब नमस्कार सब लोग को, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। मेरा ये मानना था कि जैसे हम मानिए अगर हमने 100% हमारे कोविड में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 95% को म्यूकोमाइकोसिस नहीं होता है ना, हमें केवल वही 5% या 6% में अभी तो यही मिल रहा है, आगे हो सकता है परसेंटेज ज्यादा हो जाए। तो हमें अपने आयुर्वेद के हिसाब से पहले कहीं पर सुख साध्य कर साध्य और असाध्य पर रखना पड़ेगा, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि किसका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा जा रहा है ना, या फिर किसकी कंडीशन जो है वो प्रोन टू म्यूकोरमाइसोसिस है। तो हमें चाहे प्रकृति परीक्षण से या फिर उसके जो पुराने इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर और इस और उसकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके आधार पर हमें बहुत पहले से अगर हम किसी पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग में रखे हुए हैं तो हमें लगता है हम इतने सब लोग हैं जान जाएंगे 60-70% डायग्नोसिस कर लेंगे कि ये पेशेंट हमारा उधर की तरफ जा सकता है, तो हम उसके लिए पहले से एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो सकते हैं। और जैसे कहते हैं कि शुरुआत से गंधक द्रुति का वर्णन कहीं नहीं आया, या गंधक रसायन का वर्णन नहीं आया, या गंधक का भी अपने बहुत अच्छा रोल आया है में, तो इसको भी अगर हम कहीं ऐड करें, और उसके अलावा जो स्वर्ण का स्वर्ण के जो योग है उसको फिर उस पेशेंट के लिए हम जरूरी कर दें, कैसे भी अरेंज करा दें कि आपका रसायन आपको लेना ही है स्वर्ण योग को, और उसके अलावा जो है जो शुगर वगैरह का लेवल ज्यादा जा रहा है तो उसको हमें कहीं ना कहीं से उसे तुरंत मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 1-2% केस में हम फंसेंगे, बाकी 2-3% केस हम अपने बचा ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये है कि पेशेंट के साथ आपको वही कहते हैं कि आत्मा से आत्मा का रिलेशन होना चाहिए, और पेशेंट की हर पॉइंट पे मैनेज करना होगा कि हाँ इसका ये शुगर लेवल अगर ऊपर जा रहा है या इसको इसका स्टेरॉइड चल चुका है तो हमें वहीं पर रोकना है। मल सिंदूर है, गंधक भस्म है, ये सब ने जो दवाएं बताई गई हैं, ये हमारे पास जो जो कहते हैं ना हेमगर पोटली है, ये सब इसी समय के लिए शायद रखी गई है। बाकी पाठक सर बताएं और आप लोग बताएं क्या क्या सही है क्या नहीं, मेरा मानना ऐसा है कुछ। तो डायबिटिक पेशेंट आपका कहना है कि मैम डायबिटिक पेशेंट मोर प्रोन है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, तो अगर मुझे लग रहा है कि डायबिटिक है और जिनका डी डाइमर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ऐसे भी पेशेंट ज्यादा प्रोन हो गए म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। मैम इसमें आपका डायबिटिक पेशेंट नहीं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, दोनों का डिफरेंस है। डायबिटिक और डी डाइमर जिनके बहुत ज्यादा बढ़ते हैं ना किसी कारणवश, बहुत लोगों के एकदम 2000 ऐसे होते हैं और सप्रेसिव कंडीशंस होती है ना जिसमें ना फिर ज्यादा उनका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। हां ये नहीं होंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि क्या कर रहा है अब डी डाइमर मतलब माइक्रो नोड्यूल्स बन रहे हैं ना वहां पे, नोड्यूल्स फॉर्मेशन, और अगर हो रहा है और ये वायरस कर ही रहा है तो नोड्यूल फॉर्मेशन में के साथ में तो चांसेस म्यूकोरमाइकोसिस से ज्यादा है। बिल्कुल आप सही जा रही है कि डी डाइमर अगर बड़ा हुआ होगा तो पेशेंट हमें हाई रिस्क कैटेगरी में रखना चाहिए पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए तीन चार कैटेगरी रखनी है, तीन चार कैटेगरी, अगर एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट है या उसकी प्री हिस्ट्री आप स्टेरॉइड लेने की है क्योंकि कोमॉर्बिड पेशेंट जो होते हैं या जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया वो, और या अनकंट्रोल जिसकी 400-500 शुगर चल रही है वो, तो हम लोग को वो तो रिस्क कैटेगरी में हम लोग को तो रखना ही है। और कोई तो पाठक सर बोल रहे कि पाठक सर का बहुत बढ़िया लगा मुझे कि AKT तो आप शुरू करो ही ना, आप रस नमाचक और रस पातक तो शुरू करो ही ना, तो आप कम से कम उस चीज को स्टार्टिंग से बेस से आप कंट्रोल कर रहे हो,
और इसके अलावा तो आपने जैसे मेंशन है, गुगुल है और हड़ताल है, ये हम लोग के पास तो कुष्ठनाशक औषधियां, जो कुष्ठनाशक औषधियां वो तो आपको देना ही है, और इसी के साथ में तेल, अरंड तेल, करंज तेल और नीम तेल, ये तीनों को मिला के अब स्किन में अप्लाई करना है, तो आप इसका लेप लगा लीजिए। आपको खाने में भी ले सकते हैं आप, तो ये आपका इंटरनली क्लीन करेगा, और इसी का आपने प्रोडक्ट से बोल रहे थे कि नस भी ले सकते हैं, तो नस भी लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, कहीं ना कहीं तो रेस्पॉन्स मिलना ही मिलना है अगर हम थोड़ा नहीं, ये प्रोटेक्शन है मैम चारों ओर से, आप देखिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हो ना चारों ओर से, आप शुगर भी कंट्रोल कर रहे हो, आप कुष्ठ की चिकित्सा भी कर रहे हो, आप फंगस को ग्रो होने का मौका कहाँ से दे रहे हो, तो आप लोग बचा ले रहे हो, हम लोग बचा ले रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक वालों के पास नहीं है इसका इसका तोड़ नहीं है, तो वो लोग सोच नहीं है ना, उनकी सोच नहीं है, निदान के बारे में सोचते नहीं है। हॉस्पिटल के पेशेंट को उनको मौका दे दीजिए, डॉक्टर संजय त्यागी, डॉक्टर संजय त्यागी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर संजय त्यागी आपको कुछ बोलना है तो आए प्लीज, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है और बीच में ब्रेक मजा नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, आप लोग कंटिन्यू करें, वो नहीं आ रहा है। संजय त्यागी जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए डॉक्टर त्यागी, बोल रहा है, मैंने अनम्यूट हो गए अभी तो आवाज आ रही है। अनम्यूट हो गए आप, बोलिए। हाँ जी आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है बोलिए। हेलो सर, मैं थोड़ा कोविड, हाँ जी आ रही है आवाज मेरी प्लीज? यस यस कंटिन्यू। मैं मैडम डॉक्टर त्यागी बात कर रहा हूँ, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। मैं खुद अभी कोविड में सफर करके निकला हूँ हॉस्पिटल से, और मैंने पिछले साल से अब तक कम से कम 750 के करीब कोविड पेशेंट ट्रीट किए होंगे ऑन द रिकॉर्ड, और ईश्वर की कृपा से सभी अच्छे हुए, लेकिन मुझे खुद को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मैं इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे बोलने में भी दिक्कत है, लेकिन मन कर रहा था आप लोगों से शेयर करने का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी हैव टू रूल आउट इन अर्ली स्टेज कि पेशेंट को सिम्टम क्या है। हम जो 3 से 4 दिन 5 दिन शुरू के नेग्लेक्ट करते हैं सिर्फ पैरासीटामोल या सिंपल मेडिसिन दे करके, वो ठीक नहीं है, हमें इसमें मॉडर्न का सहारा भी लेना चाहिए टू रूल आउट वेदर यू कैन ट्रीट बाय आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन। तो उसमें शुरू में हमें देखना ये होता है कि लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल और तुम्हारा CRP, डी डाइमर, इनको रूल आउट करें, और पहले 4th-5th दिन में ही एक एक्सरे करा लें सिंपल, फिर 6th-7th दिन अगर आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, बुखार आपका नहीं टूट रहा है, तो उसके बाद में आप एक सीटी के लिए जाएं, HRCT के लिए, तो उसमें स्कोरिंग देख करके हम आयुर्वेद अपना लेते रहें, लेकिन साथ में मॉडर्न से भी गुरेज ना करें, क्योंकि स्टेरॉइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ब्लड थिनर का, वो हमारे आयुर्वेद में भी है, लाइक ताम्रभस्म, आरोग्यवर्धिनी वटी, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन वी हैव, लेकिन हमें क्योंकि इतनी एक्यूट फेज में ये आता है कि आपको मौका नहीं देता और लंग को बहुत डैमेज कर देता है। मेरा CT स्कोर 18/25 रहा, मेरा CRP लेवल 150 पहुंच गया, डी डाइमर मेरा बढ़ गया, सीरम फेरेंटिन मेरा बढ़ गया, मेरा बेटा मेरठ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, तो उसने मुझे यहाँ ट्रीट किया, साथ साथ में अपना आयुर्वेद भी ले रहा था, उसने मेरे को क्या फायदा दिया कि मेरा सैचुरेशन डाउन नहीं होने दिया, 18 के बाद भी मेरा सैचुरेशन लगभग नॉर्मल रहा, मैं मिनिमम ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहा, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के विद्यार्थी, आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, हमें उस एंगल से तो सोचना ही होगा, लेकिन जब मॉडर्न पैरामीटर्स हमारे सामने हैं तो उनको भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको देख करके ध्यान में रखकर जब सिस्टमिक इन्फ्लामेशन बॉडी में आ रहा है तो उसको डाउन करने के लिए हमें स्टेरॉइड का प्रयोग गुरेज नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता था इसके बारे में। सर आपको आपको मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों कंटिन्यू करने दी? यस यस, माय सन वाज देयर, ही वाज ट्रीटिंग मी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ लेने में, मेरी खरल साथ में थी, मैंने दवाइयां साथ रखी, मैं साथ लेता रहा, तो उससे मुझे ये रहा
कि उस समय पे मुझे वीकनेस नहीं रही बिल्कुल भी, लेकिन अब पोस्ट कोविड मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस है। अभी मुझे बोलने में दिक्कत है क्योंकि अभी मैं स्टेरॉइड पर भी हूँ, अभी स्टेरॉइड मेरा चल रहा है। क्योंकि मैंने ये इसलिए पूछा कि काफी सारे लोग ये सोचते हैं इंडिया में कि अगर हम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को मिक्स करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो शुरू से क्या करते हैं, वो एलोपैथी 10-11 दिन चलाते रहते हैं, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर सोचते हैं कि और क्या ऑप्शंस है, और तब तक काफी लेट हो जाता है। इसमें, तो इसलिए आपने जब बताया ना यहाँ पे कि बीइंग योर सन एज अ डॉक्टर और आपने साथ भी चलाया, तो देन पीपल लिसनिंग, तो उनको लगेगा कि दे सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेकिन हमें तो पता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें मेरा पर्सनल एक डाउट रहा अपने ट्रीटमेंट में, डाउट मेरा ये रहा कि बिकॉज दे आर गिविंग मी इम्यूनो सप्रेसिव लाइक स्टेरॉइड एंड आई एम टेकिंग इम्यूनो बूस्टर लाइक अपना महालक्ष्मी विलास गोल्ड रस और अपना ये त्रिलोक चिंतामणि रस मैं ये ले रहा था, तो मेरी दवाइयां जो एक तरफ मुझे इम्यूनिटी बूस्ट कर रही हैं, लेकिन इन मॉडर्न साइंस दे आर सप्रेसिंग माय इम्यूनिटी, तो उसके लिए स्टेरॉइड यूज करें। तो मैं यहाँ खुद माईसेल्फ मैं कंफ्यूजन में रहा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं लेना, मैं उसको लेता रहा, तो उसका परिणाम ये रहा मेरे को सेचुरेशन डाउन नहीं हुआ और मैं ईश्वर की कृपा से ठीक निकल के आ गया। मिथाइल प्रेडनिसोलोन मुझे 125 मिलीग्राम टीडीएस चला और मोनोपोरम इंजेक्शन चला, एमिकासिन चला, ये सारा चला और ब्लड थिनर भी मेरे को चले। हाँ जी डॉक्टर त्यागी सर, शुरू में सर आप, हाँ जी हाँ जी बताइए सर, प्लीज सुनिए सर, सर आपने शुरू में बोला भाई जो पहले डेज है उनको हमने इग्नोर नहीं करना, ठीक है हाँ जी, उसमें ही तो मेडिसिन शुरू करना यस। तो आप हाँ, आप उसमें स्टेरॉइड शुरू करने की बात नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं स्टेरॉइड देखिए शुरू में इनिशियल स्टेज पे कभी भी स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग इन अर्ली स्टेज स्टेरॉइड देन दे कैन फ्लेयर अप वायरल इन्फेक्शन, वो फ्लेयर अप कर जाएगा आपका इन्फेक्शन। तो इसमें होता क्या है, जो पहला म्यूटेंट चल रहा था इसका कोविड का, वो लेता था मिनिमम 5-7 डेज, और ये म्यूटेंट जो चल रहा है इसका म्यूटेंट का पता नहीं लग रहा है, ये काफी वेरी कर चुका है, ये 3-4 दिन बाद ही लंग पे इफेक्ट डाल देता है। अब हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, हम 3-4 दिन सिर्फ पैरासीटामोल या एवरमेक्टिन एलोपैथिक हाइड्रोक्सीक्लोरो एजिथ्रोमाइसिन लेके खराब कर देते हैं, तो 4-5 दिन बहुत हमें देखना होता है। टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो हम सीबीसी को तो डेली करें और सीआरपी को हम इनिशियल स्टेज पर डेली कराएं। तो सीआरपी जो आपने बोला सर, इसके अलावा क्या लें सर, पहले 4-3 दिन इनिशियल स्टेज पर देखिए, अगर हम आयुर्वेद में जाना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये है, आप लक्ष्मी विलास रस नारदीय, त्रिभुवन कीर्ति रस, तालिशादी चूर्ण, गोदंती और टंकण, इसका हम प्रयोग इनिशियल डे 1 से करें। महासुदर्शन घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार प्रयोग करें, क्योंकि चिरायता जो होता है महासुदर्शन घट में वो रेप्लिकेशन को कम करता है। इसी का हम एक काढ़ा भी ले सकते हैं, अश्वगंधा, कुटकी, नीम, गिलोय, ठीक है ना, और उसमें अपना गिलोय डाल सकते हैं और तुलसी, इस प्रकार का भी एक हम काढ़ा बना के चिरायता उसमें डाल करके हम काढ़ा भी दिन में 3 बार पिए, 2 बार नहीं। डोज हमें हर चीज की बढ़ानी पड़ेगी, हमें इनिशियल स्टेज पे ये नहीं सोचना कि हम बहुत माइल्ड दवाइयां लेके काम चला लें, क्योंकि इस वायरस का कुछ नहीं पता है कहाँ जाके क्या रुकता है। अभी देयर आर नंबर ऑफ रिसर्च आर सर, आपने एलोपैथ का पूछा ना, तो उसमें तो यहाँ पे तो पैरासिटामोल ही बोलते हैं कि पैरासिटामोल, देखिए इसमें भी मेरी सर एक एडवाइस है आप सभी लोगों को, इसमें भी हम पैरासिटामोल का ना यूज करके मैफेनिक एसिड, जो मैफ्टाल फोर्ड करके आती है, मैफेनिक एसिड और पैरासिटामोल, क्योंकि मैफेनिक एसिड का भी इटसेल्फ ये गुण है कि वो भी इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो हमें से डे 1 से ही इस चीज पे ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन मार्कर्स हैं वो नहीं बढ़े। तो उसके लिए हम आयुर्वेद में भी जैसे अपना ताम्र का कोई भी योग है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन को हमें रोकना है एट एनी कॉस्ट, और स्टीम इज वेरी गुड। एंड सेकेंड वन इज, अगर आप थोड़ा पानी में नमक डाल करके, देखिए इनिशियल फर्स्ट डे सेकेंड डे बता रहा हूँ मैं, लेकिन जब आपको कोविड अब एग्रावेट कर रहा है तब ये चीजें कोई काम नहीं करेंगे। सिर्फ यू कैन टेक स्टीम इनहेलेशन, आप स्टीम बढ़ाइए दिन में 3-4 बार स्टीम लीजिए, थोड़ा नमक डाल के उसमें ले सकते हैं आप, तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज रहती है। और अपना जैसा हमारा हम आयुर्वेद के विद्यार्थी सब बताते हैं, पहले दिन लंघन जरूर करें, फर्स्ट डे लंघन करें गर्म पानी से करें, सेकेंड डे हम फिर अपना मूंग का अपना यूज या उसका वो थोड़ा
सूप वगैरह बना करके लें। ठीक है, उसके बाद में सर आपसे मिस्टेक कहाँ हुई कि आपको एलोपैथी चिकित्सा करानी पड़ी? हाँ मैं ये नहीं, मिस्टेक नहीं हुआ डॉक्टर, ये मैं अपना भगवान की कृपा मानता हूँ कि मुझे एलोपैथी भी मिल गई टाइम से, क्योंकि मुझे रेमडेसिविर वगैरह सब कुछ ट्रीटमेंट मिल गया। मैंने डे वन से जो मैं ट्रीटमेंट लोगों को देता हूँ डे वन वो लिया, लेकिन मुझे पता नहीं ईश्वर ने इंट्यूशन दिया कि तुझे साधारण म्यूटेंट नहीं है। मेरा फीवर जो 103.4 तक पहुंचा, मैं बहुत ही कम, मैं पैरासीटामोल भी अपनी प्रैक्टिस में यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे डे वन पैरासीटामोल भी लेनी पड़ी। फिर मैं जब यंग था, जब मैं प्रैक्टिस करता था, मैं थोड़ा एलोपैथी भी करता था, तो मैं मेफ्टाल भी यूज करता था। फिर मैंने मेफ्टाल लिया, उससे मेरा बुखार थोड़ा डाउन आया, लेकिन कभी भी नॉर्मल को टच नहीं किया, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और मैं कभी भी गोल्ड पे पहले नहीं आता हूँ, तो मैंने सेकेंड डे से ही फिर अपना त्रैलोक चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस गोल्ड, अभ्रक वसम, इन सब का मैंने योग लेना शुरू किया। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर थर्ड डे मैंने टेस्ट कराया अपने, थर्ड डे मैंने अपना एक्सरे कराया, थर्ड डे ऑन द सिम्टम ऑफ थर्ड डे तो मेरे चेस्ट में निमोनिया हल्का आया। मैंने वेरी नेक्स्ट डे फिर अपना सीटी कराया, फोर्थ फाइव डे में मेरा सीटी स्कोर वाज 9 ऑन फोर्थ फाइव डे। अब उस स्टेज में बताइए कि मेरे पास क्या चांसेस थे, क्या मैं उस समय पर अपने ऊपर ही प्रयोग करता रहा था। दैट्स व्हाई आई गो टू फॉर, मुझे जाना पड़ा। फिर बेटे ने मुझे बुलाया इमीडिएट कि आप आओ पापा यहाँ पर। फिर मैं यहाँ एडमिट रहा, 12 दिन मैं एडमिट रहा हूँ। अभी घर आया हूँ मैं आप लोगों की क्लास में, वहां से आने के बाद ही आप सभी लोगों से अटैच हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा बड़ा बोलने का मन करता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ अभी थोड़ा सा। आज मैं आपके साथ इतना शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना पर्सनली। मेरे अपने एक्सपीरियंस में पिछले एक साल में कोविड में आई वॉज दी ओनली फर्स्ट पर्सन को एडमिटेड टू हॉस्पिटल। मेरे किसी पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ी, मेरे घर में भी सबको कोविड हुआ लेकिन किसी को जरूरत नहीं पड़ी, सब आयुर्वेद से ठीक हुए। मैंने पैरासीटामोल भी बहुत ही कम प्रयोग की है, किसी किसी को किया। सर आप ज्यादा एक्सपोज हो गए होंगे और आपने बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, बस टाइम इज इम्पोर्टेंट, उसको हम नेग्लेक्ट ना करें और एलोपैथी लेने से भी परहेज ना करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली ड्यूटी है पेशेंट की लाइफ को सेव करना। स्टेरॉइड इज वेरी इम्पोर्टेंट, स्टेरॉइड एंड ब्लड थिनर, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है जी सर, वो तो स्टेज अगर ऐसी आ जाए तो है, मतलब वेरी फर्स्ट डे से हम एलोपैथी ये चीजें शुरू करनी चाहिए। पहले हम आयुर्वेद पर ही रहें लेकिन ब्लड के पैरामीटर्स जरूर कराते रहें, उनको नेग्लेक्ट ना करें। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और 6 मिनट का जो अपना हम वो देखते हैं SpO2 लेवल सैचुरेशन पैदल चला के उसको भी टेस्ट करते रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अपना सैचुरेशन देखता रहा, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो सब ये था शायद मैं गोल्ड ले रहा था, उसकी वजह से मेरा वो बचाव चल रहा था, तो मेरा सैचुरेशन डाउन नहीं हो रहा था। मैं 6 मिनट का भी वॉक टेस्ट कर रहा था, वो भी मेरा नीचे नहीं जा रहा था, पर 7वें दिन से मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मेरे सारे पैरामीटर्स बिगड़ गए थे और बड़ी मुश्किल में कंट्रोल हुआ। मुझे 125 मिलीग्राम TDS मिथाइल प्रेडनिसोलोन डेली देना पड़ा। आयुर्वेद में पहले दिन से अगर सोचे तो क्या सोचना चाहिए? पहले दिन से देखिए, हमें सिम्टम को देखना, अगर इफ इट इज हाई ग्रेड टेम्परेचर, अगर बुखार तेज है तो हमें CBC में लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल उनको जरूर देखना चाहिए। अगर हमारे लिम्फोसाइट नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम CVT की तरफ जा रहे हैं, तकलीफ हमारी बढ़ रही, न्यूट्रोफिल्स हमारे अगर बढ़ रहे हैं तो विदाउट एनी टेकिंग स्टेरॉइड, अगर ये हम सब ले रहे हैं तो फिर हमें उसको साधारण नहीं लेना चाहिए। और ये मान लेना चाहिए कि हम गंभीर तरह की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर आप यू कैन चेंज इन योर फॉर्मूला इधर इन योर आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद में जा रहे हैं तो फिर हमें गोल्ड पे आना पड़ेगा, साधारण अपने त्रिभुवन इनसे नहीं देगा। त्रिभुवन जो हमारे तीनों पे काम करता है, फेफड़े पे, गले पे और ब्रेन में, तीनों जगह हमारा काम करता है त्रिभुवन कीर्ति रस, और मैं बड़ा इसका फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो मेरा तो सारा उनसे ही काम चल जाता था, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ। मैं इसको शेयर इसलिए करना चाहता था। मेरा सैचुरेशन सर बहुत कम गिरा, 92 तक आया विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। सर आप बोल रहे हैं कि मैं आयुर्वेद ने लिया, तो सर ये जो आप जितने भी उपयोग ले रहे थे कॉम्बिनेशन मिल रहे थे, इंडिविजुअली लिया था सर आप? नहीं सर, कॉम्बिनेशन बनाया था मैंने इसका, खरल अपने पास थी और मैंने डाबर की दवाई में प्रयोग करी। सर कितने लिया था सर, मतलब कितने, मतलब मैंने सर दो दो गोली, कितने ग्राम कितना ले रहे थे? दो गोली त्रिलोक चिंतामणि रस, दो गोली महालक्ष्मी विलास रसगढ़,
और उसमें अभ्रक भस्म शतपुटी डाली थी मैंने, सहस्त्रपुटी नहीं डाली थी। ये मैंने लिया दिन में, फिर आखिरी के दो तीन दिन में मैंने स्वास्थ्य का चिंतामणि दो दो गोली दिन में तीन बार और ऐड की थी। सर फीवर की वजह से रेमडेसिविर लिया आपने या निमोनाइटिस की वजह से लिया रेमडेसिविर? निमोनाइटिस की वजह से, वो तो सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट बेटे ने दिया जी, फिर उसमें मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं। ब्लड थिनर के बारे में बताइए सर, आयुर्वेद में क्या देना चाहिए एग्जैक्टली? उसमें सर हमारे ये अपना आरोग्य वर्धिनी पट्टी प्रयोग करेंगे सर, हमारे पास मुझे मुझे लगता है और आप लोगों का ज्ञान होगा, आप लोगों को मालूम होगा, पर ताम्र का योग कोई भी हम उसमें ऐड कर सकते। ताम्र थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, डोज उसकी बढ़ानी पड़ेगी, 1 से 2 ग्राम तक हम आरोग्य वर्धिनी पट्टी डेली लेना हमें पड़ेगी। हेलो सर नमस्कार, मेरा एक पेशेंट है सर, डिस्कस कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं। हाँ सर, एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है सर, 27 तारीख को उन्हें फीवर आया, मतलब कोविड आया, और 5 तारीख को 5 मई को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई सर उनकी, एलोपैथिक ले रहे थे तो आज मेरे पास आया था, उनका बेटा आया था, मेरे रेगुलर पेशेंट है सर। हाँ जी हेलो। तो सर सिचुएशन उनका जो है अभी ऑक्सीजन पे O2 इनहेलेशन पे सर, ये 92 के आसपास 90-92 के आसपास रहता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन हटा देते हैं तो वो 80 के आसपास चला जाता है सर, तो उनका मिथाइल प्रेडनिसोल चल रहा है और एंटीबायोटिक चल रहा है सर, तो इस पर सर क्या देना चाहिए सर? मैं सर हीरक हीरक भस्म समीर पन्नग रस, महालक्ष्मी विलास रस गोल्ड, अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी और स्वास्थ्य का चिंतामणि रस, शीतोपलादी चूर्ण, प्रवाल पिस्ती, चंद्राम रस, इसमें आप हीरक भस्म 200 मिलीग्राम ले लें, समीर पन्नग रस 1 ग्राम ले लें जी सर। हाँ जी सर, उसे हाइपोक्लोरेमिया भी हो गई है, 3-4 बार प्रोटीन का भी इन्फ्यूजन हो चुका है सर उन्हें। अच्छा अच्छा प्रोटीन मतलब, अच्छा नहीं उसमें उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है क्या? शुगर लेवल डायबिटिक थे नहीं, लेकिन मुझे लगता है डायबिटीज चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपर लेवल में जा रहा है उसमें। स्टेरॉइड चले उसकी वजह से बढ़ रहा है, उससे घबराने की बात नहीं, शुगर लेवल डेली टेस्ट करें, अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन का भी प्रयोग करें जी सर। लेकिन इसमें आप अगर इनका सीटी स्कोर बताएंगे सर क्या है? कुछ सीटी स्कोर 10 था सर उनका, पहले हुआ था सीटी, अभी जल्दी नहीं हुआ है। तो देखिए 10 तो माइल्ड में आता है, माइल्ड टू मॉडरेट में आता है 10, ठीक है ना? तो आप जी सर ये जो मैं योग बता रहा हूँ आप इसका प्रयोग करें और भगवान की कृपा से डे 1 में रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। हीरक भस्म 200 मिलीग्राम जी सर, समीर पन्नग रस 1 ग्राम, महालक्ष्मी विलास रस गोल्ड स्वर्णयुक्त 1 ग्राम, अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी 1 ग्राम, स्वास्थ्य का चिंतामणि रस 2 ग्राम, शीतोपलादी आप इसमें 10 ग्राम शीतोपलादी चूर्ण डाल दीजिए, प्रवाल पिस्टी 5 ग्राम और चंदामृत रस 2 ग्राम, इन सबको घोट पीस करके 20 पुड़िया बना लीजिए। और मेडिसिन जो है आप ये मत करना मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ, मेडिसिन अगर डाबर की मिले तो सारी अच्छी, क्योंकि डाबर ने डिजाइन किया इनको इस बार सबको बढ़िया तरीके से बना रहे हैं वो लोग कोविड में, तो डाबर की दवाइयां मिल जाती हैं तो ज्यादा अच्छी हैं। और महालक्ष्मी विलास रस नहीं तो फिर उसका दूध पापेश्वर का आप ले सकते हैं, इसकी बना लीजिए तो 1-1 पुड़िया दिन में 2-2 घंटे बाद देनी शुरू कीजिए। डॉक्टर संजय मेरा क्वेश्चन है सर आपसे, अभी आप जो है स्टेरॉइड आपने बोला, हेलो डॉक्टर संजय हेलो सर, तो प्रोटीन कैसे पूरी होगी सर? हेलो जी डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, आप पूछिए आपका प्रश्न। सर सर डॉक्टर संजय सर, हाँ जी सर, हाँ सर मैं कह रहा था आप अभी भी स्टेरॉइड ले रहे हैं तो क्या आपने अपना शुगर मॉनिटर कर रहे हैं या अभी आप इसके साथ में आप एलोपैथिक और आयुर्वेदिक क्या क्या ले रहे हैं इस समय आप? नहीं सर मैं जब शुगर मेरी 125 मिलीग्राम प्रेडनिसोन चली थी तो मेरी डेली शुगर टेस्ट होती थी, 147 वाज द हाईएस्ट शुगर लेवल इन माय बॉडी, एक दिन के लिए हुआ था, वेरी नेक्स्ट डे फिर वो 125 आ गई थी। मेरी शुगर अभी नॉर्मल है, थोड़ा मेरा यूरिया जब हाई स्टेरॉइड लिए थे तो एक दिन के लिए यूरिया बढ़ा था, वेरी सेकंड डे फिर वो मेरा यूरिया भी नॉर्मल था, मेरे सभी ब्लड के पैरामीटर जो लीवर LFT KFT मेरा सभी नॉर्मल था। यही मैं जानना चाह रहा हूँ सर, उसमें आप आयुर्वेदिक के लिए क्या ले रहे हैं और एलोपैथिक के लिए आपका क्या चल रहा है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मैं सिर्फ मिथाइल प्रेडनिसोलोन मेरी 16 मिलीग्राम BD चल रही है और मैं अभी महालक्ष्मी विलास रस गोल्ड की 1 गोली सवेरे और 1 गोली शाम ले रहा हूँ,
और रात को मैं स्वामला ले रहा हूँ, हल्दी का दूध जरा सा मिला के, क्योंकि कफ नहीं बढ़ना चाहिए, तो दूध में हल्दी मिला करके एक चम्मच स्वामला की मैं रात को ले रहा हूँ। पहले मैंने 2-3 दिन गर्म पानी से लिया था, लेकिन कल से मैंने दूध हल्का सा उसमें हल्दी मिला के शुरू किया है, और स्वामला लगभग 1-1.5 चम्मच में ले रहा हूँ। और महालक्ष्मी उल्लास रस की एक गोल्ड की एक गोली सुबह शाम, पहले मैंने ज्यादा ली थी, अब धीरे धीरे मैंने कम कर दी। बीच में आपने 2-3 बार भी रखी है ना, आपने बताया मैंने 2 त्रिलोक चिंतामणि और तुम्हारी 2 महालक्ष्मी उल्लास गोल्ड, 4 गोली एक साथ, उसमें थोड़ा फिर मैंने शतपुटी लगभग 1 चुटकी करीब मैंने अभ्रक वस्त्र में मिला के लिए। ये आपकी 1 डोज होती थी, आप ये 3 लेते थे इस तरह की, 3 डोज लेते थे आप? मैंने 4 डोज लेता सर दिन में 4 डोज। और इसके बावजूद भी आपका सास कोविड जो है पॉजिटिव आ गया था? पॉजिटिव तो पहले हो गया था सर। नहीं, दवाई मत दो आप ज्यादा, अभी दवाई ये जो चल रही है ना सर, इंसुलिन प्रोटीन डाइट, शुगर इंसुलिन ले रहे हैं, खिला रहे सर वो लोग, इंसुलिन दीजिए आप उनको, व्हाइट पार्ट दीजिए। हाँ, व्हाइट पार्ट दे रहे हैं एक का। हेलो, जैसे अपने आयुर्वेद में कहा जाता है, क्या कहते हैं लंगन, और क्या कहते हैं लघु आहार, मूंग की दाल वगैरह इस तरह से कुछ ही है सर। सर वो लंगन का टाइम, तो इसलिए मैंने बंद नहीं किया उनका। यू कैन हाफ फास्टिंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट बट एट द इनिशियल स्टेज। अब हमें आम दोष का पाचन करना है तो शुरू में करेंगे ना सर, अब 10 दिन बाद थोड़ा ना उसको कराएंगे, लंगन कराओगे तो दिक्कत हो जाएगी उसको पेशेंट को। लेकिन सर उनकी TLC बढ़ी हुई है, करीब 14,000 के आसपास TLC थी सर। देखिए अगर TLC बढ़ी हुई है, इट मींस कि देयर इज फीवर नहीं आ रहा है बस इस समय, बिल्कुल नहीं सर, अभी वो एंटीबायोटिक पर है। नहीं, एंटीबायोटिक है सर, प्रेडनिसोलोन चल रहा है, मेथाइलप्रेडनिसोलोन चल रहा है, मेथाइलप्रेडनिसोलोन चल रहा है सर, मेथाइलप्रेडनिसोलोन इज स्ट्राइड, लेकिन कोई एंटीबायोटिक वो ले रहे हैं? नहीं, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल सर, सर ले रहे हैं, ले रहे हैं। हां तो उससे कंट्रोल हो जाएगा सर, टीएलसी बढ़े में उससे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ये त्रिलोक चिंतामणि रस भी एंटीबायोटिक का ही काम करेगा ना सर। हाँ सर, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे पास बहुत सारे CRM के पेशेंट आते हैं और उनका TLC 20-25 हजार के आसपास रहता है, तो मैंने सर केवल सुदर्शन से, महासुदर्शन काढ़े से उनका TLC कंट्रोल कर लिया है सर। बिल्कुल हो जाएगा सर कंट्रोल, बिल्कुल। और सर मैंने भी इसीलिए इसी पर्पज से सुदर्शन को दिया है सर उन्हें। नहीं ठीक है, वो भी ठीक है सर, वो भी ठीक है। सेशन बंद करे क्या? 10 बज गया, टाइम हो गया। ठीक है सर, कल मिलते हैं फिर। ठीक है सर, नमस्कार। आप ऑफ का कह रहे हो ना, कल है क्लास? कल सुबह चरक का क्लास होगा ना, सुबह चरक का क्लास जरूर होगा, बाकी का हम कल डिसाइड करेंगे क्या करना है। सुबह लेट उठिएगा मत, कल संडे है तो लेट कोई नहीं उठेगा, सब लोग सुबह जल्दी उठेंगे और नहा धो के चरक का क्लास करने आ जाइएगा। और फिर वो वाचन करते हैं ना अष्टांग हृदय, डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी कितना अच्छा बोले थे आज, कल जरूर आइएगा सर। आपका आशीर्वाद है सर, आपकी छत छाया में। असल में क्या है कि सब लोग पढ़ते हैं ना संहिता, तो कितना मजा आता है, एकदम ऐसा लगता है गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है डॉक्टर साहब, सही बात है, पढ़ाते हैं जी। हमें तो इस एज में आप जैसे इतने बड़े विद्वानों को सुनने को मिल रहा है जी। मैं तो सर का स्टूडेंट हूँ, जमद अग्नि सर का, उन्होंने, आप विद्वान है और आपको हमें सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए भी बड़े ईश्वर की कृपा है हमारे लिए। हम तो 55 वर्ष की आयु में सुन रहे हैं आपको इतने अच्छे तरीके से। अच्छा जी, हाँ जी ठीक है, फिर कल मिलते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी लोगों को। नमस्कार, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं, गुड नाइट सर, गुड नाइट।